राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार हो कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे। भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। कलयुग सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो, राम राज हो, राम राज विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओ
ज्योतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां वा देवानागुसख्यमुपसेदिमा वय देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेख च तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतघृष्ण्या ध्रुवं तमीशानं जगतस्तस्थु खस्पतिन्धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृथश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामरवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजग्राः। बोले जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय। राज राजेश्वरी माँ अम्बे भवानी की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता पूर्ण सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की पंचम आस्थायिका में उपस्थित समस्त भक्त श्रद्धालुओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंचासीन युगांतकारी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्या आदरणीय कथाव्यास महामनस्विनी देवी भागवत भास्कर साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई और बहनों, ये जो भव्य आयोजन है इसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने पूरा करना है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जोर से ज्ञान यज्ञ। सज्जनों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हर आयोजन में इन दो शब्दों का प्रयोग होता है, ज्ञान यज्ञ। क्या कारण है, और ये जो दो शब्द हैं वो इन आयोजनों की यूएसपी हैं। ये दो शब्द इस तरह के होने वाले दूसरे आयोजनों से इन आयोजनों को भिन्न करती है। कैसे समझते हैं, यज्ञ शब्द का के बहुत से भौतिक अर्थ होते हैं, जैसे पूजा हवन धार्मिक अनुष्ठान, लेकिन वेदों के अनुसार यज्ञ का जो आध्यात्मिक अर्थ होता है वो होता है आंतरिक यात्रा जो एक जीव भगवती को पाने के लिए, उससे मिलने के लिए करता है। और सज्जनों, ये आंतरिक यात्रा कब संभव होती है, जैसा कि आप गत दिवसों में सुनते आ रहे हैं कि ज्ञान दीक्षा के उपरांत जब भगवती का साक्षात्कार होता है तब ये यात्रा संभव हो पाती है। सज्जनों, इसीलिए ज्ञान यज्ञ है। अगर हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण केवल यहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे, केवल कथा सुनने तक सीमित होकर रह जाएंगे, उस आगे बढ़कर उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। हम वो आंतरिक यात्रा नहीं कर पाएंगे, इस यज्ञ का पूर्ण फल, इस कथा का पूर्ण फल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
सज्जनों, इस कथा को सुनने तक सीमित रहना ठीक वैसे है जैसे त्रिकूट पर्वत पर माँ की पिंडियों के दर्शनार्थ हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, उस यात्रा में बाण गंगा तक जाना और वहां से वापस लौट आना। आप में से कितने लोगों ने वैष्णो देवी की यात्रा की है, जरा हाथ खड़े करके बताइए। काफी लोगों ने। महाराज श्री बताते हैं कि ये जो बाहर की यात्रा है ये इसी आंतरिक यात्रा की ओर संकेत करती है और इसी तथ्य को उजागर करती है कि हमें इस केवल कथा सुनने तक सीमित नहीं रहना। आइए समझते हैं। सबसे पहला पड़ाव जब हम वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ करते हैं कौन सा आता है, कौन सा आता है? बाण गंगा। ये प्रतीक है सत्संग समागमों का। जैसे ये है कथा सत्संग समागम। इसके बाद आता है चरण पादुका जो प्रतीक है शरणागति की। सत्संग सुनने के बाद जब एक जीव के भीतर ईश्वरीय शक्ति का साक्षात्कार करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब उसे एक पूर्ण सतगुरु की शरणागति होना होता है। इसके बाद क्या आता है, इसके अगला कौन सा पड़ाव आता है? गर्भजून जो प्रतीक है पूर्ण गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान को ही दीक्षा को प्राप्त कर द्विज होने की। इसके बाद आता है हाथी मत्था जिसकी चढ़ाई बिल्कुल सीधी है अत्यंत कठिन, जो प्रतीक है साधक की आंतरिक साधना का, जिसमें एक साधक अपने विकारों से अपनी दूषित मनोवृत्तियों से जूझता हुआ इस त्रिकूट पर्वत तक पहुंचने का प्रयास करता है, आगे की ओर बढ़ता है। हाथी मत्थे की चढ़ाई इसका प्रतीक है। और बाहरी यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या आता है? माँ की तीन पिंडियां। वह पिंडियां माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ वैष्णो पूर्ण ज्ञान वैभव और शक्ति का प्रतीक हैं। जब एक साधक आंतरिक यात्रा कर यह त्रिकूट पर्वत तक पहुंच जाता है, इसकी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो वो पूर्ण ज्ञान वैभव और शक्ति को प्राप्त कर चेतना की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, इस कथा के माध्यम से, इस कथा में सत्संग प्रवचनों को सुनने के माध्यम से आप सब ने पहले पड़ाव को तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब समय है दूसरे और तीसरे पड़ाव तक पहुंचने का। गुरु पूर्ण गुरु की शरणागति हो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का। यही संदेश गत दिवस आदरणीय कथा व्यास जी ने भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के माध्यम से हम सबको प्रदान किया। कहते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के उपरांत एक दिन कैलाश पर्वत पर सभी देवगण ऋषि मुनि एकत्र हुए भगवान महादेव के दर्शनार्थ। सब पंक्तिबद्ध हो एक एक कर महादेव को अपना नमन वंदन अर्पित कर रहे थे। इस दृश्य को दूर खड़ी माँ पार्वती देख रही थी, बहुत प्रफुल्लित हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि महादेव एकाएक अपने आसन से उठे और गुरु सत्ता के आगे नतमस्तक हो गए। ये दृश्य देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो दौड़ती हुई महादेव के पास गई और पूछने लगी कि महादेव, जहां एक और सभी देवगण ऋषि मुनि आपके आगे नतमस्तक है, वहीं आप गुरु सत्ता के आगे नतमस्तक है? इसका मतलब कि मैं गुरु सत्ता की महिमा से अनभिज्ञ हूं, कृपा कर मुझे भी गुरु सत्ता के विषय में बताइए। स्कंद पुराण कहता है कि इस प्रकार माँ पार्वती के आग्रह करने पर उस समय भगवान शिव ने माँ पार्वती को गुरु सत्ता की महिमा के विषय में बताया था। भगवान शिव कहते हैं, गुरुम विना ब्रह्मनान्यत सत्यम सत्यम वरानने। हे पार्वती, गुरु ही पार ब्रह्म सत्ता है, उनके सिवाय और कोई नहीं। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। गुरु ही वो पार ब्रह्म शक्ति है। भावो उपनिषद भी इसी बात को कहता है, श्री गुरु हो सर्वभूत कारणम शक्ति ही। अर्थात केवल गुरु ही संपूर्ण संसार की
उन शक्तियों को जागृत करने का सामर्थ्य रखते हैं, केवल एक पूर्ण सद्गुरु के पास वो सामर्थ्य हुआ करता है। सज्जनों, गुरु वो सत्ता है जो केवल हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर हमारे अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करते, जो सदैव हर चुनौती में हमारा संबल बन, सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो गुरु हैं। जो साया बन हर पल हमारे संग रहते हैं, वो गुरु हैं। जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो गुरु हैं। जो मल्लाह बन हमारे इस जीवन को भवपार लगाते हैं, वो गुरु हैं। लेकिन सैड पार्ट इज, दुख की बात है कि आज समाज में ऐसे लोग हैं जो गुरु की महिमा से अनभिज्ञ हैं। वो कहते हैं हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे लोगों के लिए संत पलटू दास जी कहते हैं, पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। हमें ये नाव तो मिल गई है, जब तक इसका केवट नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, हम भव से पार नहीं हो सकते। कबीर दास जी भी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ना आप इस भव सिंधु को पार कर सकते हैं, ना ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ना सत्य को जान सकते हैं, ना अपने दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। गुरु करना अनिवार्य है। जब जब उस पूर्ण सत्ता ने भी इस धरा पर अवतार धारण किया, उन्होंने भी प्रकृति के इसी नियम का पालन किया। राम कृष्ण ते को बरे, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आथीन। और यहां गुरु शब्द से अर्थ है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु, जिनके विषय में शास्त्र कहते हैं, तद विज्ञानार्थं स गुरु में वाभि गच्छेत समित प्राणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। वो गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जो स्वयं ब्रह्म में स्थित है और हमारे भीतर भी उस माँ भगवती का साक्षात्कार, उनके ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करवा सकते हैं। सज्जनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के करोड़ों शिष्य अपने निजी अनुभव के आधार पर डंके की चोट पर ये बात कहते हैं कि हमारे गुरुदेव पूर्ण सद्गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु हैं, जिन्होंने हमारे घट के भीतर माँ भगवती के उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करवाया है और हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन को संभव करके दिखलाया है। आज ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने महाराज श्री से वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर उस आनंद और शांति को प्राप्त किया है। आप पीछे क्यों रह रहे हैं? आप क्यों चूक रहे हैं? ये मौका मत चूकिए, आगे बढ़िए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, पूर्ण गुरु की शरणागति को ग्रहण कीजिए। यही संदेश गत दिवस आदरणीय कथा व्यास जी ने हमें दिया और आज के इस कथा प्रसंग के लिए और ऐसे इंस्पिरेशंस के लिए हम आग्रह करते हैं आप सभी की ओर से, आदरणीय कथा व्यास जी से, कि वो हमारे समक्ष आज की कथा प्रसंग को रखें। एक बुलंद जय घोष प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। बोले, जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय, माँ मनसा देवी की जय, सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। की प्रदायिनी है, आप जो समस्त कलाओं की प्रदायिनी है, आप ही पक्षियों को उड़ने की कला प्रदान करती हैं, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर इस सृष्टि को सुंदर संगीत से स्पंदित करती हैं। हे माँ वाग देवी,
परमात्मा की वो दिव्य वाणी आपसे ही स्पंदित है। हे माँ सरस्वती, हमारे जीवन को भी उस ज्ञान से आलोकित करें, हमें भी सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमारी प्रतिभाओं को भी श्रेष्ठता की ओर लेकर जाएं। आपके श्री चरणों में आपकी ये संतानें कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि दवद अर्पित करती हैं, कोटि कोटि दवद अर्पित करती हैं। सर्व पूजा सर्व वंद्या चान्यां मत्तो निशामय वाग्बुद्धे धिष्ठात्री च परमात्मनः सर्वविद्यास्वरूपा या सा च देवी सरस्वती सा बुद्धि कविता मेधा प्रतिभा स्मृतिदा सारे ग पनि पापा पनि सारे गरे रे सनी रे सनी पगरे पग परे रे सा सारे रे सारे रे सारे सारे ग पनि नि सा 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 नी नी परे रे नी पापा पग ग ग रे ग न ग रे रे सा 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 नी नी परे नी नी पापा पग ग ग रे ग न ग रे रे सा सारे ग रे ग प ग पनि पनि सा सारे ग रे ग प ग पनि पनि सा सारे ग रे ग प ग पनि पनि सा या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर दंड मंडित कला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभुनिधि शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कालातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वह जो चैतन्य है, शांत है, शाश्वत है, व्योम से अति परे, नादबिंदु और काल से परे, ऐसे महान सद्गुरु, वह जो इस देह में, इस मानव देह में आते हैं,
इस मानव समाज को उस ज्ञान से आलोकित करने, लेकिन इस मानव देह में वो साक्षात परब्रह्म है। ऐसे दिव्य गुरु के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ। बोली आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, माँ मनसा देवी की जय, माँ नंदा देवी की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। माँ के प्रिय भक्तों, गत चार दिवसों से और आज पांचवें दिवस हम माँ की इन अनुपम लीलाओं को सुनेंगे। वह लीला जो हमें जीवन की आरोहण यात्रा की ओर अग्रसर कर रही हैं, वह लीलाएं जो हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। यह जीवन अंधकार में डूबा है, अंधकार विकारों का, अंधकार वासनाओं का, अंधकार हमारी प्रवृत्तियों का। और ये एक ऐसा अंधकार है भक्तों, जो बाहर के किसी भी संसाधन से दूर नहीं हो सकता। इस अंधकार को दूर करने के लिए इस अंतर्घट में ही अग्निशिखा का प्रज्वलित होना आवश्यक है। और उस अग्निशिखा को प्रज्वलित करने आते हैं वह दिव्य गुरु, वह परब्रह्म स्वरूपिणी माँ इस धराधाम पर विविध रूपों को लेकर आती है और मानव जाति को सदा से ही अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। जब मानव के भीतर का अंधकार दूर होता है तो न केवल वह प्रकाशित होता है, अपितु वह विश्व की एक ऐसी इकाई बन जाता है जो इस संपूर्ण विश्व को भी प्रकाशित करता है, एक नए आयाम तक ले जाने का दम रखता है। ऐसे ही मार्ग की ओर प्रशस्त कर रही है हमें ये कथा। तो चलिए बढ़ते हैं नवम स्कंद की गाथा की ओर। नवम स्कंद की गाथा में हम श्रवण करेंगे माँ के उन लीला चरित्रों को जो मुनि श्रेष्ठ नारायण सुना रहे हैं। और वो किसको सुना रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं मुनि श्रेष्ठ नारायण के आश्रम की ओर और सुनते हैं कि आज वहां पर किसका आगमन होने जा रहा है। मुनि श्रेष्ठ नारायण अपने नित्य कर्म में लगे हुए हैं और वहां पर एकाएक ध्वनि होती है, नारायण नारायण का स्वर गूंजने लगता है। और नारायण नारायण का स्वर करते हुए कौन आ रहा है वहां, जिनके मुख पे सदैव नारायण की ही रट लगी रहती है, उन्हीं का नाम रहता है, वह है नारद मुनि जी। आज नारद मुनि जी सृष्टि का भ्रमण करते हुए पहुंच गए हैं मुनि श्रेष्ठ नारायण के आश्रम में। मुनि श्रेष्ठ नारायण जैसे ही उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनका उनको लेने के लिए आते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं और अत्यधिक प्रसन्न हैं कि आज अब हमें प्रभु की लीलाएं सुनने का अवसर मिला है। परंतु ये क्या, जैसे ही मुनि श्रेष्ठ नारायण कहते हैं, अहो भाग्य, आप आए हैं नारद मुनि जी, आज तो अब प्रभु की चर्चाएं होंगी। नारद मुनि जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने सुना है आप समस्त जगत को महादेवी की महिमा सुनाते हैं और मैं आया हूँ आपकी शरण में माँ की महिमा को श्रवण करने। इसलिए मैं तो आपके चरणों में बैठकर उस कथा को सुनना चाहता हूँ जिसमें माँ के अनंत प्रेम की लीलाएं हैं, उनकी करुणा की लीलाएं हैं, वह पराअम्बा उनका विस्तार मैं समझना चाहता हूँ। आज जैसे ही मुनि श्रेष्ठ नारायण ने यह सुना, मुस्कुराने लगे और कहते हैं, यूँ तो मेरा सामर्थ्य नहीं नारद मुनि, उस अनंत रूपिणी माँ की महिमा क्या कोई गा सकता है। उसके रूप अनंत है, उसका विस्तार अनंत है, मेरी ये जीवा माँ की महिमा को गाते गाते रुक सकती है, आपके ये कण माँ की महिमा को सुनते सुनते थक सकते हैं,
लेकिन उस अनंत रूपिणी माँ की महिमा अनंत है, ना उसे किसी काल में बांधा जा सकता है, ना उसे किसी ग्रंथ में बांधा जा सकता है, और ना ही किसी वक्ता का ऐसा सामर्थ्य है कि वह उस अनंत रूपिणी माँ की महिमा को गा दे। ये तो माँ की ही कृपा है कि आज उसने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं उनकी महिमा को गा सकूं, अपनी जीवा को पवित्र कर सकूं। इसलिए जो भी मेरा सामर्थ्य होगा और माँ की जैसी कृपा होगी, मैं उनकी इस आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ, और जितना मैंने समझा है नारद मुनि, उतना मैं आपके समक्ष रखूँगा। आज जैसे ही नारद मुनि जी ने यह सुना, प्रसन्न हो गए, दोनों हाथ जोड़कर मुनि श्रेष्ठ नारायण के चरणों में बैठ गए, और अब मुनि श्रेष्ठ नारायण माँ की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। वह कहते हैं कि वह अनंत रूपिणी माँ, वह संपूर्ण सृष्टि में विस्तृत है, और वही परब्रह्म स्वरूपिणी है। इस सृष्टि का सृजन करने के लिए वही दो रूपों में प्रकट होती है और इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार कर देती है, विभिन्न विभिन्न रूपों में आकार लेकर कण कण में स्पंदित होने लगती है। और जब वह सृजन कार्य करती है तो पांच प्रकृति देवियों के रूप में प्रकट हो इस संपूर्ण सृष्टि में एक भावों का स्पंदन कर देती हैं। जैसे ही नारद मुनि जी ने यह सुना, पंच प्रकृति देवियाँ, तो अब मन में प्रश्न उठा और पूछने लगे कि ये पंच प्रकृति देवियाँ कौन हैं। तो अब मुनि श्रेष्ठ नारायण कहते हैं, ये पंच प्रकृति देवियाँ कोई और नहीं, गणेश जननी दुर्गा, श्री राधा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सावित्री हैं। ये पांचों देवियाँ जो हैं इस धरा धाम के विविध दृश्यों में, इस धरा धाम पर विविध रूपों में स्थित रहती हैं। भक्तों, ये पंच प्रकृति देवियाँ गुरु गोरखनाथ जी अपनी पुस्तक सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पांच भावों का वर्णन करते हैं। वह पांच भाव जिनके समावेश से ये संपूर्ण सृष्टि के विविध दृश्य जो हैं वो आकार लेते हैं, वो स्पंदित हैं। ये पांच भाव कौन से हैं? प्रकाश, चिदुदय, प्रबोध, आनंद और स्वाभिमान। ये पांच भाव हैं जो इस सृष्टि में विस्तृत हैं। और जानते हैं भक्तों, इस सृष्टि की समस्त कृतियों में जो मानव है ना, उसके अंदर इन पांचों भावों का समावेश है। उसकी मूल प्रकृति ही इन पांचों भावों से मिलकर बनी है, और ये पांचों भाव साधारण नहीं है, दिव्य है। जो मानव की जो मूल प्रकृति है ना, वो दैवी है, दिव्य है, वो आनंद से स्पंदित है, प्रकाश उसका वास्तविक स्वरूप है, वो प्रबुद्ध है, चैतन्य है, स्वाभिमान से संपन्न है। लेकिन भक्तों, जहाँ माँ ने हमें इन पांच महाभावों से संपन्न कर हमारी प्रकृति का निर्माण किया, जरा अगर हम आज का अपना जीवन टटोलें तो क्या हमें अपने जीवन में आनंद दिखता है? नहीं, आनंद की जगह हम दुखी हैं, अवसाद है हमारे जीवन में। क्या हमारे भीतर चैतन्यता दिखती है? क्या हम उत्साहित रहते हैं? उत्साह निराशा में बदल गया है। प्रकाश, प्रकाश तो अंधकार से आवृत हुआ है, प्रकाश नहीं मिलता, अंधकार ही अंधकार हमारे भीतर है, विकारों का, वासनाओं का। और स्वाभिमान की जगह अभिमान है हमारे भीतर, कोई आकर हमें समझाए तो यह हमारा अभिमान ही है जो हमें सत्पथ की ओर बढ़ने से रोकता रहता है। यूं हमारी समूल प्रकृति जो है वो विकृति में परिवर्तित हो गई है, वो विकृत हो चुकी है। और जानते हैं, इस विकृति के कारण ही हमारे जीवन में भय है, हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में निराशा, दुराशा, ये सब कुछ पनपती है, क्योंकि हम अपनी मूल प्रकृति को भूल गए हैं, हम अपने मूल को भूल गए हैं। जानते हैं, ये ग्रंथ हमें हमारे मूल के साथ जोड़ने आया है, क्योंकि अगर हम अपने मूल को जान लेंगे ना, तो हमारी प्रकृति अपने आप बदल जाएगी। ये जो विकृति आई है ये अपने आप ठीक हो जाएगी, और हमारे जीवन में ये जो हीन भावनाएं हैं,
निकृष्ट भावनाएं हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। ये ग्रंथ हमारे भीतर हमारी प्रकृति को बदलने के लिए आया है, इसीलिए इसके अंदर जो गाथाएं हैं वो युद्ध की गाथाएं हैं, जो हमारे भीतर के उन आवरणों को, उन विकारों को खत्म कर रही हैं और मानव को शुद्ध प्रकृति की ओर अग्रसर कर रही हैं। भक्तों, आज जब नारद मुनि जी ने यह सुना कि ये पंच प्रकृति देवियां हैं, तो उनके मन में उत्सुकता उठी कि मुनिश्रेष्ठ नारायण, आपने तो साधारण शब्दों में कह दिया कि ये पांच प्रकृति देवियां हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, परंतु मैं इन देवियों का जो लीला चरित्र है, जो इनका स्वरूप है, उसको विस्तार से जानना चाहता हूँ। अब विस्तृत रूप से मुझे एक एक देवी के संदर्भ में बताएं। भक्तों, उस समय मुनि श्रेष्ठ नारायण उन्हें विस्तार से एक एक देवी के स्वरूप के बारे में बताने लगते हैं और उन्हीं उसी श्रृंखला में वह श्री राधा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्री राधा जो इन पंच प्रकृति देवियों में श्रेष्ठ मानी जाती हैं, आनंद की प्रदायिनी हैं, आइए भक्तों हम भी उन श्री राधा के चरित्र के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में सुनते हैं किन शब्दों में मुनि श्रेष्ठ नारायण ने उनका वर्णन किया नारद मुनि जी के समक्ष, और वेदव्यास जी ने उसे किस शब्दों में अंकित किया इस ग्रंथ में। कौन है श्री राधा और क्यों है उनका ये महात्म्य, चलिए उसको जानते हैं। श्री राधा के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो वो श्री राधा के रूप का वर्णन करते हुए बहुत से विशेषणों का प्रयोग करते हैं। वह उनका जब स्वरूप, उनके जब रूप का वर्णन करते हैं तो वह कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वह आह्लादनी शक्ति हैं, परम आह्लाद प्रदायिनी हैं और वह प्रभु की प्राण प्रिया हैं। वह जो प्रभु को प्राणों से भी प्रिय है वह है श्री राधा। समस्त शोक से रहित हैं और हर्ष की प्रदायिनी हैं, संतोष से संपन्न हैं, ऐसी हैं श्री राधा। भक्तों, वो प्रभु की प्राण प्रिया हैं। एक भक्त के तो प्राणों से भी प्रिय होते हैं भगवान, लेकिन वो कैसे भक्त होते हैं जो प्रभु के लिए ही प्राण प्रिय हो जाते हैं। और क्यों कहा श्री राधा को ऐसा? क्या ये हमारे ग्रंथों में जिन्होंने वर्णन किया, वेदव्यास जी ने जब इसका वर्णन किया, क्या शब्दों का चयन करके सुंदर शब्दों का प्रयोग मात्र है? नहीं, इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक लीला से प्रमाणित किया था कि श्री राधा उनके लिए सर्वस्व है, श्री राधा उनके लिए परम प्रिय हैं। आप सब जानते होंगे एक ग्रंथ के बारे में जिसे गीत गोविंद कहते हैं। इस ग्रंथ की रचना की 18वीं सदी में जो एक महान कवि हुए जयदेव जी ने,
और जानते हैं जब वह गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तब एक घटना घटी। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इस घटना का वर्णन किया था। महाराज श्री बताते हैं कि तब जब वो गीत गोविंद लिख रहे थे पूरी तन्मयता से प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर तनलीन होकर वह इस ग्रंथ का कार्य कर रहे थे और उन्हें प्रभु की ही प्रेरणाएं मिल रही थी और वो इस ग्रंथ को लिखते चले जा रहे थे। लेकिन एक दिन एक पद लिखते हुए उनका कलम रुक गया क्योंकि उनके मन में संदेह पैदा हुआ कि ये कैसी बात है, क्या सच में ऐसा हुआ होगा या ये मेरी कल्पना है। काफ़ी देर तक वह इस विचार पर चिंतन करते रहे परंतु जब गुत्थी नहीं सुलझी तो उन्होंने अपने कलम को वहीं रखा और उन्होंने सोचा मैं स्नान ही कर आता हूँ, स्नान करके आता हूँ और फिर लेखन कार्य प्रारंभ करूँगा। अपनी पत्नी पद्मावती को कहकर कि मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ वह अपने घर से निकले और नदी के किनारे स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए। इधर जब वो स्नान करके वापस लौटे और अपने स्थान पर बैठकर लेखन कार्य प्रारंभ करने लगे तो उन्होंने जैसे ही कलम उठाया तो उन्होंने देखा कि जिस पद को लिखते लिखते वो रुक गए थे वो पद पूरा का पूरा वहाँ पर लिखा हुआ था और उसी विचार को अभिव्यक्त किया गया था जो उनके मन में आया था और वो लिखते लिखते रुक गए थे। अब जैसे ही ये घटना घटी, जैसे ही उन्होंने ये देखा, उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। उन्होंने कहा क्या मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था। तब उनकी पत्नी ने कहा नहीं, आप ही गए, कुछ क्षणों में ही वापस लौटे और जब मैंने आपसे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गए तो आपने कहा जिस विचार में मैं मगन था एकाएक मुझे अब यहाँ पर आगे लिखने की प्रेरणा हुई है, इसलिए मैं फटाफट इसे लेखनी बंद कर देता हूँ और पुनः स्नान के लिए फिर जाऊँगा। आपने कलम उठाई और जो भी आपका विचार था उसे लेखनी बंद किया और आप वहाँ से प्रस्थान कर गए, स्नान के लिए चले गए और उसके बाद आप अब लौटे हैं, यूँ आपके अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं आया। जैसे जैसे उनकी पत्नी ये बात बोल रही थी जयदेव जी की आँखों में अश्रु आ गए। उन्होंने सारी घटना, अपनी सारी दुविधा अपनी पत्नी को जब बताई तो दोनों ही अश्रु धारा प्रवाहित करने लगे क्योंकि आज वहाँ पर कौन आया था, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आके उनके उस अधूरे पद को पूरा किया था और जानते हैं वो पद कौन सा था जिसे उन्होंने पूरा किया। जयदेव जी जब लिख रहे थे तो उनके मन में जो विचार आया था वह यह विचार था कि प्रभु श्री राधा से कह रहे हैं हे राधे तुम अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख दो क्योंकि मेरा ये मस्तक ये तप्त तो हो रहा है तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए, इसलिए जब तुम अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रखोगी तभी मेरी ये पिपासा शांत होगी। जैसे ही आज उनके मन में ये विचार आया तो उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भक्त भगवान के मस्तक पर अपने चरण रखते, ऐसा नहीं हो सकता, ये अवश्य ही मुझे गलत विचार आया है। लेकिन प्रभु ने जब इसे लेखनी बद किया तो उनके समक्ष और आने वाले समाज के समक्ष ये प्रमाणित कर दिया कि श्री राधा को प्रभु उनकी भक्ति को अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हैं, श्री राधा उनकी प्राण प्रिया है, श्री राधा उनकी सर्वस्व है। सच तो ये है कि श्री राधा और श्री कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं। जैसे ब्रह्म और शक्ति हैं वैसे ही श्री कृष्ण और श्री राधा हैं, एक सागर है दूसरा उसकी लहर है, ये दोनों एक ही हैं। परंतु भक्तों श्री राधा किस प्रकार से प्रभु की प्राण प्रिया हो गई, ऐसा क्या था उनके भीतर कि प्रभु को वो इतनी प्रिय हो गई। एक बार यही शंका हुई थी नारद मुनि जी को और जो द्वारका नगरी में श्री कृष्ण की पटरानियाँ थीं समस्त रानियों को। अच्छा आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कथा भी नारद मुनि जी सुन रहे हैं और एक ये शंका भी नारद मुनि जी को हुई है, तो यहाँ पर दो क्षण रुककर मैं आपको ये बताती हूँ
कि नारद जो है ना, ये एक पदवी है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये एक पदवी होती है। इस पे अलग अलग व्यक्ति समय समय पर आकर बैठते हैं। तो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया कि नारद जो है ये भी एक पदवी है, ये ऐसी पदवी है, इस पदवी पर जो भी बैठता है उसके पास ऐसी शक्तियाँ होती है जो विश्व का भ्रमण कर सकता है, जो पल भर में एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा सकता है, ऐसी है नारद जी की ये पदवी। तो यह द्वापर युग के समय में जो नारद की उस उपाधि पर स्थित थे, उनको ये शंका आई थी कि ऐसा क्या है इनके भीतर राधा जी के भीतर कि वह प्रभु की सबसे प्रिया है, मैं भी तो प्रभु का भक्त हूँ, परंतु उनके भीतर ऐसा क्या है। और जो द्वारका में द्वारकाधीश की रानियाँ थीं, उनके मन में भी ये प्रश्न समय समय पर उठता रहता था। वह सोचती थीं कि प्रभु रहते तो हमारे साथ हैं, लेकिन जब देखो नींद में भी इनके मुख पर राधा का ही नाम होता है। यूं माँ रोहिणी के पास श्री राधा के संदर्भ में जानने के लिए जाती तो राधा की महिमा गाते गाते भाव विभोर हो जाती, यूं उनके मन में भी ये प्रश्न रहता। अब प्रभु तो अंतर्यामी है, उन्हें तो पता है भक्त के हृदय में, मेरे भक्तों के हृदय में क्या चल रहा है। यूं वो एक दिन एक कौतुक करते हैं, एक लीला करते हैं। एक दिन प्रातः ही जब प्रभु श्री कृष्ण उठे तो आज उनके मस्तक में बहुत दर्द हो रहा है और इतनी पीड़ा है कि उनकी पीड़ा को देखकर समस्त रानियां जो हैं वो वहाँ पर समस्त जो वैद्य हैं उन्हें बुला लेती हैं। नारद मुनि जी का भी आगमन होता है और नारद मुनि जी भी जो हैं अपनी तरफ से सारे प्रयास कर देते हैं, लेकिन सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। प्रभु का सरदर्द तो जा ही नहीं रहा और प्रभु की इस पीड़ा को देखकर सभी व्यथित हैं। तो उस समय नारद मुनि जी प्रभु से ही पूछ लेते हैं, प्रभु आप ही बताइए, आप तो सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, आपके इस पीड़ा का क्या समाधान है, आपकी ये पीड़ा किस प्रकार से दूर होगी, आप ही हमें बताइए। तब प्रभु अपनी लीला का विस्तार करते हैं। प्रभु कहते हैं, अगर मेरी इस पीड़ा को दूर करना है, मेरी ये पीड़ा केवल मेरे एक परम भक्त के चरणामृत का पान करके ही दूर हो सकती है, इसलिए मेरे परम भक्त का चरणामृत ले आओ, मेरी ये पीड़ा दूर हो जाएगी। आज जैसे ही यह सुना तो नारद मुनि सीधा ही रुक्मिणी जी की ओर देखते हैं, उनके समक्ष जाकर गुहार करते हैं, कहते हैं, रुक्मिणी जी आप तो अत्यंत प्रेम करती हैं ना प्रभु से, तो दीजिए अपना चरणामृत दीजिए, प्रभु को पान करवा देते हैं और उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। रुक्मिणी जी कहती है, मैं अवश्य ही प्रभु से बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मैं तो उनकी दासी हूँ, मैं उन्हें अपना चरणामृत कैसे दे सकती हूँ, ये तो पाप होगा, मैं नहीं दे सकती। पलटकर रुक्मिणी जी कहती है, नारद मुनि आप तो सदैव नारायण नारायण करते रहते हैं, तो फिर अपने नारायण की खुशी के लिए, उनके सुख के लिए आप ही चरणामृत दे दीजिए। नारद मुनि जी भी सोच में पड़ गए, अरे मैं तो अदना सा दास हूँ, अगर मैंने उन्हें चरणामृत दिया तो मुझे नरक में वास मिलेगा, ये तो एक घृणित कार्य है, मैं ऐसा नहीं कर सकता देवी रुक्मिणी। अब एक एक रानी के पास जाया जाता है और वो सारी रानियां जो दावा करती थी कि हम प्रभु श्री कृष्ण के लिए अपनी जान दे सकते हैं, आज उनमें से एक भी वो चरणामृत नहीं देता। तब नारद मुनि जी को स्मरण हो आता है श्री राधा का और नारद मुनि जी तत्क्षण वहां से अंतर्ध्यान होते हैं और पहुंच जाते हैं वृंदावन। वृंदावन जो प्रभु श्री कृष्ण के जाने के बाद सुना है, परंतु वहां जब पहुंचते हैं तो श्री राधा तो अभी भी प्रभु की यादों में ही मग्न है, उन्हीं को याद कर रही है, उनके नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है, लेकिन चेहरे पर स्मित हास्य है। उनके समक्ष जाकर कहते हैं, श्री राधा नारद का आपको प्रणाम है, जानती हैं प्रभु बहुत पीड़ा में है, प्रभु को भीषण सर में दर्द हुआ है और हमने सारे उपाय कर लिए,
परंतु प्रभु की पीड़ा केवल उनके भक्त के चरणामृत से ही दूर होगी। जैसे ही श्री राधा ने यह सुना, आगे कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं थी, श्री राधा ने तत्क्षण सामने प्रवाहित होती नदी से जल लिया, अपने चरणों को प्रक्षालित किया और थमा दिया नारद मुनि जी के हाथ में। नारद मुनि जी क्षण भर के लिए अवाक रह गए, तब कहने लगे, श्री राधा, क्या आपको तनिक भी भय नहीं लगता? आपने प्रभु के लिए चरणामृत दिया है, जानती है इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि आपको रौरव नर्क में ना जाने कितने समय तक रहना पड़ेगा और नर्क की यातनाएं सहनी पड़ेगी। क्या आपको तनिक भी भय नहीं? श्री राधा मुस्कुराने लगी, कहने लगी, भय किस बात का? मेरे प्रभु की पीड़ा दूर हो जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। फिर चाहे उनकी पीड़ा दूर करने के लिए मुझे अनंत काल में नरकों को भोगना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मेरे प्रभु की पीड़ा दूर करो, नारद विलंब मत करो, जल्दी लेकर जाओ। नारद मुनि उस समय ही मन समझ गए क्यों है श्री राधा श्री कृष्ण की प्राण प्रिया। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और पहुंच जाते हैं वो चरणामृत लेकर। प्रभु की लीला नारद मुनि जी को तो समझ आ गई थी, लेकिन जब द्वारका पहुंच कर पूरा रहस्य उद्घाटित किया, तो वह जो द्वारकाधीश की रानियां थी, वह भी समझ गई कि प्रेम केवल मौखिक नहीं होता, प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं, प्रेम किसी दूरी पर भी निर्भर नहीं करता कि आप अपने प्रिय के कितने करीब हो, प्रेम इसका भी मोहताज नहीं, प्रेम तो हृदय की तारों में झनकृत होता है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं भक्तों प्रेम की, सारा संसार प्रेम की बातें कर रहा है, लेकिन जिसे हम प्रेम कहते हैं वो तो स्वार्थ की बैसाखियों पर टिका है। लेन देन के संबंध है वो प्रेम नहीं है। प्रेम की अगर कोई अभिव्यक्ति है तो वो है श्री राधा। प्रेम में अहंकार नहीं, प्रेम में स्वार्थ नहीं, प्रेम में मांग नहीं, प्रेम में मैं है ही नहीं, प्रेम में तो बस तू है और तू ही तू है। प्रेम में समर्पण है अपने अस्तित्व का, प्रेम में समर्पण है अपनी भावनाओं का, प्रेम में समर्पण है अपने संपूर्ण जीवन का। और ऐसी हैं श्री राधा। श्री राधा इसीलिए प्राण प्रिया बनी, वो अहंकार से रहित हैं, स्वार्थ से रहित हैं, प्रेम की पराकाष्ठा है। उनके लिए प्रेम शब्द कहना भी छोटा है, क्योंकि राधा प्रेम नहीं, राधा तो प्रेम की भी चरम सीमा है, वो तो महाभाव है, वो उन्माद जिसमें प्रेमी और प्रिय में कोई अंतर ही नहीं रहता। इसीलिए तो हमने सुना है कि जब श्री राधा अपना अक्ष देखती थी तो कृष्ण नजर आते थे, और जब कृष्ण अपना अक्ष देखते थे तो श्री राधा नजर आती थी। जो वो दोनों एक ही थे, पर वो इस धरा धाम पर आए, इस मानव समाज को जो प्रेम की बातें करते हैं उन्हें सच्चा प्रेम सिखाने के लिए। परंतु भक्तों, एक प्रश्न है, कैसे आए ये राधा भाव हमारे भीतर? जानते हैं शांडिल्य मुनि से जब वज्रनाभ बैठकर श्री राधा की महिमा श्रवण कर रहे थे, तो वो एक एक शब्द को सुनकर अचंभित होते जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा भाव कैसे किसी में पैदा हो सकता है, ऐसा प्रेम भाव कैसे प्रस्फुटित हो, और वो पूछ बैठते हैं शांडिल्य मुनि, वो तो श्री राधा थी, हम तो साधारण हैं, हमारे भीतर वो राधा भाव कैसे पैदा होगा? क्या हम भी उस प्रेम का स्पर्श प्राप्त कर सकते हैं? शांडिल्य मुनि मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, प्रेम के लिए तो बस एक खिड़की को खोलना है, जिस क्षण वो खिड़की खुलेगी, प्रेम का सैलाब अंदर प्रवाहित होने लगेगा। वो कौन सी खिड़की है? वो खिड़की खुली थी गोपियों के भीतर, वो खिड़की खुली थी श्री राधा के भीतर, और खोलने वाले थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वो कौन सी खिड़की थी? जानते हैं भक्तों, गोपी कौन है? हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, गोभी ही इंद्रियः
भक्ति रसम पिबती इति गोपी ही। गोपी कौन है जिसकी समस्त इंद्रियां भक्ति रस का पान करती रहती हैं? वो है गोपी। हमारी इंद्रियां संसार का रस पीती हैं, इसीलिए हमें संसार से प्रेम है, लेकिन उन्होंने उस प्रभु के भक्ति रस को पिया। उनकी एक एक इंद्री प्रभु के भक्ति रस में भीगी हुई थी, इसलिए वो गोपी बन गई और श्री राधा गोपेश्वरी हैं। समस्त गोपियों की भी से भी श्रेष्ठ, क्योंकि उनका तो सर्वस्व ही प्रभु थे। लेकिन ये कब संभव हुआ? कब वो प्रभु के भक्ति रस में डूबी? जब प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान दिया। वो भगवान श्री कृष्ण से बाहर से नहीं जुड़ी थी, वो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानती थी। उन्होंने अंतर्घट में उस कृष्ण के दर्शन किए थे और इस देह नगरी में, यहाँ पर अंतर्घट में वह उनके साथ जुड़ी थी। इसीलिए भागवत महापुराण में आता है, जब प्रभु बंसी बजाते थे तो सारी नगरी को पता नहीं चलता था, पर उनकी वो बंसी की धुन गोपियाँ और श्री राधा सुन लेते थे, क्योंकि वो बंसी की धुन बाहरी नहीं थी, वो अंतर्घट की बंसी थी, जिसे अंतर्घट में उतरकर सुना जाता है, और वो सुन लेती थी और आ जाती थी रास मंडल में रास क्रीड़ा करने, और रासेश्वरी वहाँ पर स्थित होकर सभी को आनंदित कर देती थी। जानते हैं भक्तों, वो राधा भाव, वो राधा जो है ना, वो किसी एक समय की परिधि में बंधी नहीं है। वो आई थी द्वापर में प्रत्यक्ष होकर हमें अपने स्वरूप को दिखाने, अपनी महिमा को समझाने, लेकिन वो राधा तो एक महाभाव है जो हर युग में प्रकट होता है। जब जब एक भक्त भगवान के प्रेम में डूबता है, उसकी जो भावना होती है वो राधा होती है। स्वामी विवेकानंद जी रात रात भर रोया करते थे अपने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के लिए। हर रात उनका तकिया भीगा हुआ मिलता था, उनके भीतर प्रकट हुआ था वो राधा भाव। जब जब भक्तों ने अपने प्रभु के लिए अश्रु बहाए हैं, उन अश्रुओं की नमी में होती है राधा, और वो राधा हम सब के भीतर अभिव्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। हम सब के भीतर हमारी वो आत्मा, वो राधा है। उस आत्मा को राधा बनना है। वो आत्मा जन्मों से भटक रही है उस कृष्ण के लिए। आपने वो भजन सुना है ना, तंतो मंदिर है हृदय है वृंदावन, वृंदावन में है बसे राधिका किशन। ये तन मंदिर है और यहाँ है वो वृंदावन, यहाँ पे वो रास घटना चाहता है, उस रास की लीला घटना चाहती है, परंतु उस रास में प्रतीक्षा हो रही है आपकी, प्रतीक्षा हो रही है हर एक जीवात्मा की। जब वो जीवात्मा अंतर्घट में गुरु की कृपा से उस ब्रह्म को जानती है, तब वो यहाँ पर स्थित होकर अपने प्रभु के साथ रास करती है, जीवन के आनंद को प्राप्त करती है। हम सबके भीतर वो राधा भाव है जो अभी सुप्त पड़ा है, जागेगा कब? जब हम अपने अंतर्घट में उस ईश्वर को जान लेंगे, जब हमारी भी वो खिड़की खुलेगी जो गोपियों की खुली थी। वो खिड़की है ये दसम द्वार की खिड़की, वो खिड़की है ये तृतीय नेत्र की खिड़की। जब जीवन में श्री कृष्ण जैसे गुरु आते हैं तो वो इस खिड़की को खोलते हैं, और उसके बाद अंतर्घट में घटता है वो महारास और जीवन में आता है आनंद। ये है श्री राधा की महिमा। ये कह रही है वो हमें अपने स्वरूप से। भक्तों आए, उनकी तो जितनी महिमा गाई जाए वो कम है। आए अपनी रसना को, अपने हृदय को, उनकी महिमा को गाकर, अपने इन श्रवणों को, उनकी महिमा को सुनकर पवित्र करते हैं। हम श्री राधा की महिमा में अपने हृदय के भावों को अर्पित करते हैं, खुद को सराबोर करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे माँ राधा, जैसे तुमने प्रभु को पाया, ऐसे हम भी अपने परम लक्ष्य अपने प्रभु को पाएं। हमारे जीवन में भी वो हमारे अंतर्घट के पट खोलने वाले गुरु आएं और हम भी तुम्हारी तरह रास में राधा बनकर नृत्य करें।
हम भी तुम्हारे उस श्रेष्ठ भाव से संपन्न हो जाए, हमारे जीवन में भी वो प्रेम आ जाए। आए ऐसे ही प्रार्थना करते हैं और गाते हैं श्री राधा की महिमा। भक्ति की धाराएं निर्झर खंड हर विराम। भजमन राधा 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 जय जय श्री राधा। भजमन राधा 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 भजमन राधा 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 जय जय श्री राधा। भजमन राधा सार है राधा। होंगे दुख कम और सुख ज्यादा, हो
काली दा बोल सांचे दरबार की जय। जग जननी माँ भवानी की जय। दुर्गा मैया की जय। श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। आज की इस पावन सभा में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम सभी प्रभु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम सभी श्रवण कर रहे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास, देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास, साध्वी विदुषी अदिति भारती जी के मुखारविंद हम देवी भागवत महापुराण की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज की सभा में अब समय है जो हमारी भारतीय परंपरा है उसका निर्वाह करवाने का, दीप प्रज्वलन की परंपरा को निभाने का। इसके लिए हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, कथा के यजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच के पास पधारें और इस परंपरा का निर्वाह करवाएं। मेरा अनुरोध है, हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं श्री अशोक कुमार लांबा जी, जो प्रधान हैं भवन श्री कालिका माता मंदिर देहरादून महामाई के दरबार में, उनका हार्दिक अभिनंदन है। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री भारत भूषण शर्मा जी समिति मंत्री हैं, श्री मिनोचा जी ट्रस्टी हैं, श्री वीरेंद्र चौधरी जी टर्नर रोड देहरादून से, श्री वी डी सेम बाल जी खुड़बुड़ा से हैं देहरादून से, श्री राजेश सेठी जी तिलक रोड, श्री राजेंद्र गोयल जी रेसकोर से, अनिल वर्मा जी संपादक हैं देहरादून टाइम्स से। इन सभी से मेरा आग्रह है कृपया मंच के पास पधारें, परंपरा में सम्मिलित हों। इसके साथ साथ इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री नरेश कुमार जौली जी, श्री एडवोकेट महिपाल सिंह नेगी जी, श्री महिपाल सिंह दपोला जी, श्री युगल किशोर उनियाल जी, श्री रणजीत सिंह रावत जी, श्री मांगे राम गुप्ता जी, श्री गणेश चंद्र जोशी जी, श्री हरीश रावत जी, श्री आकाश ठाकुर जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, श्री अजय ढोंडियाल जी, सभी कथा के मुख्य यजमान हैं। सभी से मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ आज के उत्सव यजमान हैं श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी, श्री सतीश चंद्र गोनियाल जी, और आज के दैनिक यजमान हैं श्री तिलोक सेठी जी, श्री गजेंद्र सिंह जी, श्री विनोद शर्मा जी, श्री सन्नी जिंदल जी, श्री राजकुमार सौंते जी, श्री राम भरोसे। इन सभी से मेरा आग्रह कृपया मंच के पास पधारें और परंपरा में सम्मिलित हों। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कथा व्यासी से कि हमें आगे की कथा का रसपान करवाएं। आइए बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, एकाग्रता से महामाई की पावन कथा का रसपान करते हैं। तो बोले दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री आशुतोष महाराज जी की जय। यूं भक्तों, आज श्री राधा की महिमा को श्रवण करके नारद मुनि जी भाव विभोर हो उठे। हृदय में आनंद है जिस भक्ति को करके, जिस नाम का स्मरण करके श्री राधा ने उस परम पद को प्राप्त किया। हर युग में भक्तों ने उस नाम का स्मरण कर, वो नाम शब्दों में नहीं है भक्तों। आज तो हम सोचते हैं कि बाहर से राधा राधा करते रहेंगे तो उससे हम वह पालेंगे जो श्री राधा ने प्राप्त किया। परंतु श्री राधा ने इस धराधाम पर आकर ये बताया, समझाया कि अगर कृष्ण को पाना है, परम लक्ष्य को पाना है, तो वही रीति अपनाओ। वो भक्ति की रीति है। और वो भक्ति कैसे आती है? बाहर से इस जीवा से जो नाम बोले जाते हैं उनसे नहीं आती। वो भक्ति है जुड़ जाना उस ईश्वर के साथ, उस प्रभु के साथ, उस परब्रह्म स्वरूपिणी के साथ। अंतर्घट में जब जुड़ते हैं तब होती है भक्ति। अभी हम विभक्त हैं क्योंकि हम संसार के साथ जुड़े हैं। जब उसके साथ अंतर से जुड़ेंगे, जब गुरु आते हैं जीवन में, अंतर्घट में प्रकटीकरण होता है, तो फिर वो प्रकाश के साथ उस नाम को भी प्रकट करते हैं जो हमारी श्वासों में चलता है। और उस नाम को जप कर, उस नाम का स्मरण कर श्री राधा ने प्रभु श्री कृष्ण की वह प्राण प्रिया बनी थी। और उसी नाम को जब जब भक्तों ने जपा, उसी नाम को अब जब जब भक्तों ने सुमिरन किया, तब तब उन्होंने प्रभु को पाया। भक्तों, ऐसे ही जब नारद मुनि जी आज पंच प्रकृति देवियों की जो गाथा श्रवण कर रहे हैं, श्री राधा की महिमा श्रवण की है, और अब जब उनकी महिमा श्रवण कर ली तो जिज्ञासा और बढ़ गई।
जब उनकी महिमा श्रवण कर इतना आनंद महसूस हुआ तो अब कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ नारायण, अब मुझे पंच प्रकृति देवियों में से और किसकी कहानी सुनाएंगे, और किसके अवतरण की लीला सुनाएंगे? तब मुनि श्रेष्ठ नारायण मुस्कुराने लगे और कहते हैं, चलिए नारद मुनि जी, मैं आपको माँ सरस्वती के आविर्भाव की गाथा श्रवण करवाता हूँ। उनके स्वरूप के संदर्भ में बताता हूँ। भक्तों, माँ सरस्वती कौन है? माँ सरस्वती विद्या की प्रदायिनी है, हंस वाहिनी है। विद्या की प्रदायिनी, हंस वाहिनी, वाग देवी, इन विविध नामों से हम माँ सरस्वती को जानते हैं, पुकारते हैं। परंतु जानते हैं भक्तों, वो कौन सी विद्या की प्रदायिनी है? नारद मुनि जी जो इतने विद्वान थे, समस्त शास्त्र ग्रंथों को पढ़ा हुआ था, उनके मन में भी ये प्रश्न आया, वो कौन सी विद्या की प्रदायिनी है? हम तो यही जानते हैं कि वह विद्या की प्रदायिनी है। और हमारे लिए विद्या क्या है? इस संसार में जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो सब ज्ञान अर्जित करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का, हमारे लिए विद्या वो है। परंतु जानते हैं भक्तों, हमारे शास्त्रों में दो विद्याओं का वर्णन किया गया। एक है अपरा विद्या और दूसरी है परा विद्या। ये अपरा विद्या जो है वो विद्या है जो हम इस संसार में अर्जित करते हैं, जिसमें सब कुछ आता है, रहना, खाना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें भी, इन सब का ज्ञान भी अपरा विद्या में आता है। और फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी स्टडीज़, ये सारा ज्ञान भी अपरा विद्या में आता है। समस्त शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान, ये भी अपरा विद्या में आता है। परंतु हमारे उपनिषदों में इस अपरा विद्या को अविद्या कहा गया, मतलब जो विद्या है ही नहीं। ये कैसी बात है? सारा संसार जिस ज्ञान को अर्जित करने के लिए दौड़ रहा है, हमारे ऋषि मनीषियों ने उसे अविद्या कह दिया, क्योंकि वो विद्या की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं, विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तई, विद्या वह है जो मुक्त करे। किससे मुक्त करे? हमें हमारे अहंकार से मुक्त करे, हमें हमारे विकारों से मुक्त करे, हमें हमारी कलुष कालिमा से मुक्त करे, वह विद्या है। विद्या वह है, विद्या ददाति विनयम्, विद्या वह है जो विनय प्रदान करे, विनम्रता दे। लेकिन हम जब संसार की विद्या को देखते हैं, उसे अर्जित करते हैं, तो क्या हमारे अंदर विनम्रता पैदा होती है? एक इंसान जितना जितना ज्ञान अर्जित करता जाता है, वो उतना उतना अभिमानी होता जाता है। उसे लगता है उसे सब कुछ आता है। यूं ये सारी विद्या जो हम संसार में अर्जित करते हैं, वो अविद्या है, क्योंकि वो हमें हमारे विकारों से मुक्त नहीं कर रही, वो हमें विकारों से युक्त कर रही है, वो हमें एम्पावर नहीं कर रही, इसलिए उसे अविद्या कहा। लेकिन वही हमारे शास्त्र ग्रंथों में वर्णित है एक और विद्या, जिसे परा विद्या कहते हैं और जिसे उपनिषदों ने विद्या कहा, जिसके बारे में वो कहते हैं, येन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। वह ज्ञान जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, वो कौन सी विद्या है? परा विद्या। अपरा जो यहाँ की विद्या इस संसार की, और परा मतलब जो इस संसार से परे, जो इस संसार में दृष्टिगोचर नहीं होता लेकिन इस संसार को संचालित कर रहा है, जो इस संसार का परम तत्व है, उसका ज्ञान, उसे कहा गया परा विद्या, उसे कहा गया विद्या। और ये परा विद्या किसका ज्ञान है? वो कौन है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रहा है पर इन नेत्रों से दृष्टिगोचर नहीं होता? उसे हम ब्रह्म कहते हैं, उन्हें हम ब्रह्म स्वरूपिणी माँ कहते हैं। और उन्हीं के बोध को, उन्हीं को जान लेना, उसको कहा गया परा विद्या, उसको कहा गया ब्रह्म ज्ञान। श्री कृष्ण ने उसे राज विद्या कहा और हमारे उपनिषदों में उसे ब्रह्म विद्या कहा, शाक्त ग्रंथों में उसे श्री विद्या कहा। वह विद्या जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु इस संसार की सारी विद्या अर्जित करके
जब अपने पिता के पास उनके आश्रम में पहुंचे तो पिता ने देखा इसने सांसारिक ज्ञान अर्जित कर लिया है और इसे उसका अभिमान हो गया है। जब उन्होंने यह देखा तो उन्होंने एक दिन अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र तुमने उस ज्ञान को अर्जित किया जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। पुत्र ने कहा, श्वेत केतु ने कहा, मेरे पास तो समस्त ज्ञान है और जानना क्या शेष है। तब पिता ने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकली समझाया अपने पुत्र को। पिता ने कहा, जाओ जाओ और जाम सामने जो वट वृक्ष है वहाँ से जाकर एक फल को लेकर आओ। अब फल को लाया गया। पिता ने कहा, इस फल को खोलो, इसके अंदर क्या है। फल को खोला तो उसमें छोटे छोटे बीज थे। उन बीजों को देखकर पिता ने कहा, इन बीजों में क्या है, बीजों को खोलकर देखो। बीज खोलकर देखे तो वो खाली थे। पुत्र ने कहा, ये खाली हैं। पिता ने कहा, नहीं, इन बीजों के भीतर ही संपूर्ण वट वृक्ष समाया है जो दिख नहीं रहा। इस बीज को अगर रोपित कर दिया जाएगा धरा में तो इसमें से वट वृक्ष निकलेगा। जिसे तुम कुछ नहीं कह रहे हो उसमें ही सब कुछ है और उसको तुम अभी नहीं जानते। तब श्वेत केतु ने जिज्ञासा की, फिर मुझे वो विद्या प्रदान कीजिए जिसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ उसमें जो स्थित है, जो शक्ति वहाँ स्थित है, जो उस कुछ नहीं में से उस वट वृक्ष को पैदा कर रही है, मुझे उसे जानना है। और जब उसने ये जिज्ञासा रखी तब उद्दालिक ऋषि ने उसे यही ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या दी जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इस ब्रह्मांड के कण कण में जो स्थित है उसको जानना ही वो ब्रह्म ज्ञान है और उस ब्रह्म ज्ञान की प्रदायिनी है माँ सरस्वती। इसीलिए समस्त ऋषि मनीषी उनकी पूजा करते हैं और वो समय समय पर इस धरा धाम पर आती है मानव जाति को उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने के लिए, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ही मनुष्य अपने कर्मों के जाल से, इस आवागमन के चक्र से, अपने जीवन के जंजालों से पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है। और आज हम एक ऐसी ही अब एक गाथा सुनेंगे हमारे आर्ष ग्रंथों में, जहाँ पर माँ सरस्वती का सद्गुरु स्वरूप उसका वर्णन आता है। ये गाथा है माँ की एक शिष्या लीलावती की। लीलावती कोई साधारण नारी नहीं थी, वह महारानी थी और उसके पति का नाम था राजा पद्म। राजा पद्म और महारानी लीलावती दोनों ही बहुत धर्मज्ञ थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनका राज्य भी संपन्न था। लेकिन रानी लीलावती के जीवन की एक दुविधा थी। उसके मन में बारंबार ये संदेह आता कि मेरे पति जो हैं उनसे मैं अत्यंत स्नेह करती हूँ, लेकिन मेरे पति एक राजा है, अगर कभी ऐसा हुआ कि वो युद्ध में गए और वापस नहीं लौटे तो फिर मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा तो ये सारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। जैसे ही उसे ये ख्याल आता वह गमगीन हो जाती। कई कई दिनों तक वो व्यथित रहती, अवसाद ग्रसित रहती और यूं कई दिन लग जाते उसे संभलने के लिए। उसके जीवन में बार बार ये विचार आता और उसे व्यथित कर देता। एक दिन उसकी भेंट कुछ ऋषियों से होती है। वो ऋषियों के समक्ष अपनी इस दुविधा को रखती है और ऋषि उसे माँ सरस्वती की आराधना करने को कहते हैं। वह माँ सरस्वती की आराधना अब नियमित करने लगती है और एक दिन उसकी इस आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं माँ सरस्वती उसके समक्ष प्रकट होती हैं। माँ सरस्वती आज सद्गुरु रूपिणी बनकर आई हैं और माँ सरस्वती उसे वो ब्रह्म ज्ञान, वो परा विद्या प्रदान कर देती हैं और उस परा विद्या को प्रदान कर कहती हैं, लीला अब इस ज्ञान का अवलंब लेकर निरंतर ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करनी है। सब कुछ श्रेष्ठ ही होगा, जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ो। जीवन में हर विपत्ति का तुम सामना कर पाओगी, ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हारा अवलंब बनेगा। अब माँ की आज्ञा को शिरोधार्य कर लीला जो थी वो ध्यान साधना करने लगी। निरंतर ध्यान साधना कर रही है और समय व्यतीत होने लगा।
उसके हृदय में आने वाला जो भय था वो कुछ कम हुआ, वो अपने उस भय से लड़ना सीख पाई, उसको नियंत्रित करना सीख पाई, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना आपको शक्ति प्रदान करती है। आज ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते करते वह नियमित साधना करती और अपने राज्य के कार्य व्यवहार को भी नियमित करती। अब एक दिन वह अपने पति के साथ, राजा पद्म के साथ राज्यसभा में बैठी थी, तब वहाँ पर एक घटना घटी। एकाएक वहाँ पर एक दूत दौड़ता हुआ आया और आज उसने आते ही राजा पद्म को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, हमारे राज्य पर भीषण संकट आया है। एक पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया है। उसकी सेनाएं कुछ ही क्षणों में हमारी सीमा तक पहुंचने ही वाली है। हमें तत्क्षण युद्ध की तैयारी करनी होगी। हमें अपने राष्ट्र की, अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। आज जैसे ही यह सुना, राजा पद्म ने तत्क्षण अपनी सेनापतियों को, अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि समस्त सेना को सज्ज करो, अब हम युद्ध भूमि की ओर बढ़ेंगे। आज समस्त सेना को लेकर राजा पद्म बढ़ गए युद्ध भूमि की ओर। वहां पर भीषण युद्ध छिड़ा। राजा पद्म की सेनाएं सक्षम थी, परंतु क्योंकि वह पहले से तैयार नहीं थी इस युद्ध के लिए, इसलिए वहां पर संग्राम जो था वो भीषण हुआ। और उस संग्राम में अपने राज्य की रक्षा करते हुए राजा पद्म को बहुत से आघात लग गए। एक दिन युद्ध करते करते वह उस युद्ध भूमि में ही गिर गए। जैसे ही अपने राजा की यह स्थिति देखी तो मंत्रियों ने तत्क्षण राजा को वहाँ से चिकित्सा गृह में ले आए। चिकित्सा गृह में उनका उपचार होने लगा। जो राज्य वैद्य थे उन्होंने सब प्रकार के तरीके लगाकर देख लिए, समस्त औषधियों का प्रयोग करके देख लिया, परंतु राजा पद्म जो थे वह होश में नहीं आए। उनकी देह में जीवन का कोई स्पंदन नहीं आया और यूं उन सभी वैद्यों ने बाहर आकर मंत्रियों को सूचित किया कि राजा पद्म अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने देह त्याग दी है। जैसे ही मंत्रियों को ये पता चला तो तनाव और बढ़ गया। अब बिना किसी को बताए हुए उन्होंने राजा पद्म की देह को महल में ले आए। वह राजा पद्म की देह को जैसे ही महल में लेकर आए, महारानी लीला को सूचना दी गई कि राजा पद्म का देहांत हो गया है। तो अब महारानी लीला ने जैसे ही यह संदेश सुना, वह तो मूर्छित होकर अपने कक्ष में गिर गई। कुछ ही क्षणों में जैसे ही उसे सुधी आई, अपने स्थान से उठती है, नेत्रों की अविरल अश्रु धारा बहने लगती है और दौड़ती हुई अपने स्वामी के देह के पास आकर बैठ जाती है। उन्हें बार बार पुकारने लगती है, उठिए स्वामी, उठिए, आप कहाँ चले गए? राष्ट्र संकट में है, वहां युद्ध छिड़ा है, आप हमें यूं छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए स्वामी, देखिए, मैं आपकी पत्नी लीला आपके समक्ष हूं, एक बार उठिए तो सही, मेरी बात तो सुन लीजिए, उठिए स्वामी, उठिए, आप मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकते। आपने तो कहा था आप शीघ्र अति शीघ्र आएंगे, आप मुझे यूं छोड़ के क्यों चले गए? मुझे पता है आप अभी उठ जाएंगे, उठिए स्वामी, उठिए। यूं बार बार उन्हें उठाने का प्रयास कर रही हैं, परंतु वो कैसे उठे? उनके देह में तो अब कोई प्राण नहीं, कोई चेतना नहीं। यूं वो बिलखने लगी और अब रोते रोते उसे स्मरण हो आया अपनी सद्गुरु रूपिणी माँ सरस्वती का। जैसे ही माँ का स्मरण आया तो आज माँ को उलाहने भरे स्वर में कहने लगी, माँ, तुमने तो कहा था मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, ये ब्रह्म ज्ञान मेरा अवलंब बनेगा, लेकिन देखो मेरे जीवन में कैसा संकट आ गया। कहाँ हो तुम माँ? तुम क्यों नहीं आई मेरी रक्षा के लिए? तुमने क्यों नहीं की मेरे पति की रक्षा? आज माँ को उलाहने दे रही है, बिलक बिलक कर रो रही है, माँ तुम तो आ जाओ, तुम ही तो मेरा एकमात्र अवलंब हो, तुम ही तो मेरे जीवन का सहारा हो। हे माँ, तुम कहाँ हो माँ? तुम ही आकर आकर मेरे स्वामी को जगाओ। आज जब लीला के हृदय से बारंबार ये स्वर उठा, जब उसने माँ को ऐसे आर्त भावों से पुकारा, तो वह सतगुरु जो अपने शिष्यों की हर एक बात को सुनते हैं,
एक संसारिक बात तो सिर्फ 9 माह के लिए अपनी शिशु को अपने गर्भ में रखती है और उसके बाद आजीवन अपनी संतान को कोई भी क्षति आती है तो उसे एहसास हो जाता है। लेकिन जानते हैं वो सद्गुरु जब एक शिष्य को ज्ञान देते हैं तो उसे अपनी प्राकृत गर्भ में धारण कर लेते हैं और जन्मों जन्मों के लिए धारण करते हैं और उसके जीवन में कोई संकट आए उससे पहले गुरु को पता चल जाता है, वह उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। भक्तों आज जब लीला ने माँ को पुकारा तो माँ भी उसके समक्ष वहाँ उस कक्ष में प्रकट हो जाती हैं। माँ उसके समक्ष प्रकट होती हैं और लीला जैसे ही माँ को देखती है दौड़ती हुई आती है और माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर यही स्वर छेड़ देती है, माँ देखो ना मेरे पति को क्या हुआ है, मेरे स्वामी को क्या हुआ है, तुम ही उन्हें जीवित कर दो, तुम ही उन्हें पुकारो, तुमने कहा था ना मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। माँ फिर ये संकट कैसा, माँ मेरे स्वामी को तुम ही जीवित करो। लेकिन आज माँ वहाँ स्थित है, कुछ कह नहीं रही। जब बारंबार वो ऐसा विलाप करती है तो अब महादेवी, अब माँ जो है माँ कहती है लीला व्यर्थ विलाप कर रही है, कठोर वचनों में आज उसे संबोधित करती है और कहती है लीला क्या तू नहीं जानती जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु होगी। ये कैसा विलाप कर रही है, भूल गई कि तेरी जो समस्त सेना है वो राज्य की रक्षा के लिए युद्धरत है, क्या इस समय तेरा यह कर्तव्य है कि तू यूं विलाप करे, अपने होशो हवास को खो दे, अपने कर्तव्य का पालन कर। लीला मैंने तुझे ये ब्रह्म ज्ञान दिया था इसलिए नहीं कि जीवन में संकट नहीं आएंगे, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का अवलंब लेगी तो हर परिस्थिति से जूझने की शक्ति तुझ में आएगी। लेकिन तूने तो इस ज्ञान को ही एक तरफ कर दिया, क्या कर रही है आज माँ का एक एक शब्द जो है वो लीला के हृदय पर प्रहार की तरह लग रहा है, ऐसा प्रहार जो उसकी मूर्छा को, उसकी अज्ञानता को, उसके उस मोह को भंग कर रहा है। और अब लीला को समझ आ जाती है कि वो क्या कर रही है, उसे बोध हो जाता है कि माँ आपने मुझे याद करा दिया मेरा कर्तव्य क्या है। सचमुच माँ मैं व्यर्थ ही विलाप कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने स्वामी से बहुत प्रेम करती हूँ और ये मेरे हृदय का सबसे बड़ा कष्ट था, ये मेरा सबसे बड़ा भय था, आज वो घटना मेरे समक्ष घट गई है। माँ तुम ही मुझे शक्ति दो, मुझे क्षमा करो, मैं समझ गई हूँ मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्षमा करो माँ। और उस समय लीला के हृदय से जो भाव उठते हैं भक्तों, आइए हृदय से उठते हुए उन भावों को जो वो सद्गुरु रूपिणी माँ के श्री चरणों में रख रही है, उसकी प्रार्थनाओं को जो स्वर है हम उसे श्रवण करते हैं, उस स्वर को सुनते हैं। याद तुम्हारी आई है माँ, याद तुम्हारी आई है माँ, याद तुम्हारी आई है तुम्हारी दिन और रहना हे माँ जब हमें आए हैं।
हमें अपने दाए तो के तुमने यार दिलाई है, तुमने यार दिलाई है, तुम्हारी बिन और तुम्हारे सदा है हम, कायर भेड़ शिकालों से क्या डर, उठो बढ़ो मेरे पुत्र हो तुम, वाणी यही तुम्हारी दिशा दाए तो
भाव है एक शिष्य के हृदय के, शायद समझने में आपको थोड़ी दुविधा हुई हो, इसलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। भक्तों, इस संसार में हम बहुत से रिश्ते बनाते हैं। उन रिश्तों को इसलिए बनाते हैं कि जब विपत्ति आए तो हम उनका सहारा ले सकें। लेकिन जब जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं ना, ये हृदय कांप उठता है। मन चाहता है कि कोई मिल जाए जिसके कंधे पर सर रखकर कुछ पल के लिए रो लें, जी को हल्का कर लें। परंतु कोई मिल भी जाता है तो कुछ क्षण के लिए ही तो अपना कंधा देगा, कुछ क्षण के लिए वो सांत्वना भरे शब्द कहता है और फिर वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, दुख को अकेले ही झेलना पड़ता है। कुछ रिश्ते इस संसार में रहते हुए ही छूट जाते हैं और कुछ रिश्ते मृत्यु अपने गाल में जब समा लेती है तो छूट जाते हैं। और वो सारे रिश्ते जो हैं वो केवल मनुष्य को सांत्वना भरे शब्द दे सकते हैं, वो उसके दुख को, उसकी पीड़ा को हर नहीं सकते। लेकिन इस सृष्टि में ही, इस संसार में ही एक ऐसा रिश्ता है जो आपको सांत्वना नहीं देता, जिसको प्राप्त करने के लिए एक शिष्य को कहीं जाना नहीं पड़ता, वो हमेशा साथ होते हैं। और वह कभी भी, इट इज नॉट अ रिलेशनशिप विच एवर फेल्स यू, वो कभी भी आपको फेल नहीं होने देते। ऐसा रिश्ता कौन सा है? एक गुरु और एक शिष्य का रिश्ता। ऐसा विशुद्ध प्रेम का संबंध है जिस प्रेम की डोर इतनी पक्की है कि ना उसे काल, ना उसे समय, ना उसे दूरी, उस पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं है। एक सद्गुरु है जो एक शिष्य के जीवन में आते हैं और उसे सांत्वना नहीं देते, उसे समाधान देते हैं। वो सद्गुरु देह में आए हुए लगते एक व्यक्ति के समान है, लेकिन वास्तव में वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं होते। एक बात बताइए भक्तों, जब द्रौपदी संकट में थी, उसके पांचों पति वहां खड़े थे, चीरहरण होने वाला था, समस्त रिश्ते नाते जो उसने बनाए थे वो सब वही थे, लेकिन किसने उसकी रक्षा की थी? क्या वो सब लोग आए थे उसकी रक्षा करने के लिए? कौन था जो आया था? वह आए थे जो उस सभा में बैठे भी नहीं थे, वह आए थे जो उस क्षेत्र से कई मीलों की दूरी पर कहीं स्थित थे, वह थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने वहीं से कृपा की और जड़ साड़ी के रूप में प्रकट हो गए और द्रौपदी का की रक्षा कर ली। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो ये कर सके? नहीं कर सकता। केवल एक गुरु, एक सखा, वो परम सखा होते हैं, वही आते हैं, करते हैं रक्षा। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी देह त्याग चुके थे। जब वो देह त्याग चुके थे, उसके कई समय बाद स्वामी विवेकानंद जी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स गए थे। जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करने गए तो वहाँ मंच पर खड़े होकर उनको बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया था। लेकिन जब इतनी मशक्कत करके वो वहाँ पहुँचे और बोलने के लिए उनका नाम अनाउंस हुआ तो उनको भय लगा, उनको डर लगा कि मैं बोलूँगा क्या। उस समय उन्होंने अपने नेत्र मूंदे और याद किया अपने ठाकुर को, और जब ठाकुर को याद किया तो ठाकुर उनके अंतर्घट में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तू नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगा, बस वहाँ जाकर खड़ा हो जा, बाकी सब मैं खुद कर लूँगा। और यही कारण था कि जब स्वामी विवेकानंद ने वहाँ आकर पहले ही कुछ चंद शब्द बोले, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना सा ही बोला तो पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगा। जब बाद में जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं थे, मेरे गुरु का आत्मिक स्पंदन था, वो दिव्य स्पंदन था जिसने सबके हृदय को जाकर जब छुआ तो उनके हाथ बरबस उठ गए और वो तालियां बजाने लगे। भक्तों, वही स्वामी विवेकानंद, विष से परिपूर्ण कॉफी दी गई थी वही वेस्ट में मारने के मंसूबे से, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी। पार्टी में एक स्थान पर, एक समारोह में वो थे,
उन्हें कॉफ़ी का कप दिया गया, उसमें विष खुला था, उन्हें नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कप को पकड़ा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी की आवाज़ उन्हें अपने अंतर में सुनाई दी और ठाकुर ने कहा, इसे यहीं पर छोड़कर नरेंद्र प्रस्थान करो, चलो यहाँ से। उन्होंने कप वहीं रखा। जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी उनका मंसूबा जो था वो नेस्तो नाबूद हुआ और फिर बाद में पता चला कि उस कॉफ़ी में विष खुला हुआ था। कौन कर सकता है भक्तों ऐसी रक्षा? एक पूर्ण सद्गुरु करते हैं, क्योंकि वह देह नहीं होते, वो इस देह के भीतर वो ब्रह्म होते हैं जो आते हैं, जो आपको घट के भीतर ईश्वर दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। वो कोई साधारण नहीं होते, वो शक्ति स्वयं आती है। और क्योंकि वह संपूर्ण शक्ति के पुंज होते हैं, तो जब जब भी एक शिष्य किसी भी स्थिति में जब उन्हें याद करता है, तो उसके जीवन में एक विलक्षण अनुभव उसे होता है। देखिए, इस बात को भी हम थोड़ा सा समझते हैं। हम सब लोग जो हैं, मानव समाज जो है, वो अपना दैनिक जीवन तो जीता ही है, बाहर से जो उसको करना है, लेकिन वो अधिकांश जीवन अपनी यादों में जीता है, वो अपनी स्मृतियों में जीता है, सपनों में जीता है, आने वाले कल के स्वप्न और बीते हुए कल की यादें, अपनों के साथ बिताए हुए पल। और जानते हैं, ये यादें इतनी शक्तिशाली हैं कि ये यादें जो हैं हमारे मन मस्तिष्क और हमारी देह में होने वाली प्रणालियों को भी नियंत्रित कर लेती हैं। मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव किया कि जब एक मनुष्य किसी भी घटना को स्मरण करता है, उसको स्मरण करता है और उसको निरंतर स्मरण करता रहता है, तो जब जब वो उसको स्मरण करता है, तो उस घटना में उसे जो एहसास हुए थे, वो एहसास जो है हमारी ब्रेन के उन सेंटर्स को फिर से ट्रिगर कर देते हैं। और जब वो ट्रिगर होते हैं ब्रेन के सेंटर्स, तो वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारी देह को वैसा ही एक्सपीरियंस होने लगता है, वैसा ही महसूस होने लगता है जब वो घटना सच में घटी थी, तब जैसा महसूस हुआ था। एक वेस्ट के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनकी बेस्ट सेलर बुक है बिकमिंग सुपर नेचुरल, उनका नाम है डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा। उसमें वो इस बात को एक केस स्टडी के माध्यम से रखते हैं। वो कहते हैं कि एक महिला थी, उसके पति ने सुसाइड कर लिया। वो खुद एक साइकोलॉजिस्ट थी, परंतु उसके पति के सुसाइड के कारण उस महिला ने बार बार उसके मन में ये आई बात कि मेरे पति ने मुझसे बात क्यों नहीं की, मुझे बताया क्यों नहीं, और उसको इतना धक्का लगा, वो इतनी ट्रॉमेटाइज हुई कि वो बार बार इसे याद करती। और जितनी बार वो उसको याद करती, उसे याद कर करके उसके भीतर डिप्रेशन पैदा हो गया। हमारे समाज में जो डिप्रेशन की बीमारी है ना, वो इसीलिए है क्योंकि बुरी यादों को, जब उन यादों को हम स्मरण करते हैं, त्रासदियों को स्मरण करते हैं, बार बार जब रीप्ले करते हैं, तो हमारी माइंड एक टेप रिकॉर्डर की तरह जब बार बार उसे रीप्ले करती है, तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे देह में, हमारे मस्तिष्क में दिखती है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और विलक्षण बात यह है कि हमारी इस बुद्धि को, हमारी इस ब्रेन को ये पता नहीं चलता कि ये घटना तो एक बार घट चुकी है। आप जितनी बार उसमें तनलीन होते हो, तब तब वो घटना उसको लगता है फिर से घट रही है। और जितनी जितनी बार आप उसको याद करते हो, योर बॉडी रीलिव्स द ट्रॉमा, उसे बार बार वही यातना, वही पीड़ा सहनी पड़ती है। और इसी का नतीजा है इंसान जो है वो अवसाद में डूब जाता है, क्योंकि हम स्मरण कर रहे हैं उन जड़ जड़ वस्तुओं का, हम अवसाद में डूब जाते हैं। वहीं पर अगर इसी स्मरण शक्ति का प्रयोग किया जाए, अगर उन्हीं यादों में गुरु की यादें हों, एक शिष्य स्मरण करता है अपने गुरु को, वो गुरु जो चैतन्य है, जो शाश्वत है, ऊर्जा के महापुंज है, जब एक मनुष्य अपने चिंतन को, अपने स्मरण को उस ऊर्जा के पुंज के साथ ट्यून करता है, तो फिर वो निरुत्साहित नहीं होता। जो चैतन्य है, शाश्वत है, वह उसके भीतर भी चैतन्यता का स्पंदन कर देते हैं। और निराशा में डूबा हुआ एक शिष्य एक बार पुनः उत्साहित हो जाता है।
ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है हर एक पूर्ण गुरु के शिष्य ने। जब जब अवसाद आता है और वो शिष्य जब गुरु का स्मरण करता है तो एक बार पुनः उत्साहित हो जाता है। आज यही एहसास लीला को भी अब हुआ है। भले ही उसके जीवन में विपत्ति है लेकिन फिर भी उसका हृदय स्पंदित है और अब वो माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करती है कि माँ आप ही मुझे फिर विकल्प बताइए, आप ही मुझे बताइए कि फिर मुझे करना क्या चाहिए। तब माँ उसे कहती है कि अब लीला अपने कर्तव्य का पालन कर, सबसे पहले अपने मंत्रियों को आदेश दे, उन्हें बोल राजा पद्म की देह को ढकने के लिए तुझे कमल के पुष्प ला दें। राजा पद्म की देह को उन कमल के पुष्पों से ढक देना और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करना। आगे जैसे जैसे मैं तुझे बताऊंगी वैसे वैसे करते जाना। जैसे ही यह सुना तो आज लीला ने कहा, माँ जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। यह सुनकर आज माँ वहाँ पर अंतर्धान हो जाती है और लीला अपने मंत्रियों को बुलाती है। मंत्रियों को कहती है, जाओ राजा पद्म की देह को ढकने के लिए कमल के पुष्प ले आओ। मंत्री समझ जाते हैं कि ये कैसी विचित्र बात है, हमें तो इनकी अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए, परंतु रानी तो उस देह का संरक्षण करने लगी है। वह समझाने का प्रयास करते हैं परंतु लीला नहीं समझती। तब लीला कहती है, जाओ जो मैंने कहा है वैसा ही करो, जाओ राजा पद्म की देह को ढकने के लिए कमल के पुष्पों का बंदोबस्त करो। अब समस्त मंत्री जो हैं वो बढ़ चलते हैं, कमल के पुष्प आ जाते हैं। लीला कमल के पुष्पों से राजा पद्म की देह को ढक देती है और फिर वह ध्यान साधना में निमग्न हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना कर रही है और उसके मन के भाव जो है माँ के चरणों में प्रवाहित हो रहे हैं। माँ को याद कर रही है और कह रही है, माँ तुम ही मेरा मार्गदर्शन करने आओ, आज मुझे तुम्हारे साक्षात सानिध्य की आवश्यकता है। मेरे जीवन की इस विपत्ति काल से माँ तुम ही मुझे उबार सकती हो। हृदय से जब ऐसी भावनाएं स्पंदित हुई तो वह दिव्य रूप धारिणी माँ सरस्वती वहाँ लीला के समक्ष उस कक्ष में प्रकट हो जाती हैं। जब माँ उसके समक्ष प्रकट हुई तो लीला के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है और माँ आज उसके मस्तक पर प्रेम भरा हाथ रखती हैं, कहती हैं, लीला तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूँ ना तेरे साथ, व्यथित मत हो, चल नेत्र खोल, नेत्र खोल, देख मैं तेरे समक्ष खड़ी हूँ। आज माँ को अपने समक्ष देखकर लीला माँ की गोद में सर रखकर बहुत देर तक रोती है। तब माँ उसे कहती है, लीला चल आज मैं तुझे एक दिव्य यात्रा पर लेकर चलती हूँ, आज मैं तुझे एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाऊंगी जो तुझे तेरे समस्त दुख से मुक्ति प्रदान करेंगे। आज लीला को माँ ने अब कहा कि ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ लीला। लीला ध्यान की अवस्था में बैठी और माँ ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, शक्तिपात किया और आज लीला को माँ ने निर्विकल्प समाधि दे दी और अब उसका सूक्ष्म देह जो है वो माँ को देख पा रहा है। माँ कहती है, चल लीला आज चल मैं तुझे एक विलक्षण ब्रह्मांड की यात्रा पर लेकर चलती हूँ। आज माँ ने वहाँ पे एक विमान को बुलाया और उस विमान पर अब वह दोनों आरूढ़ हो गए और अब माँ ने उस विमान को उड़ने का आदेश दिया। वो विमान ऊपर उठने लगा, जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है तो वहाँ पर एक स्थल आया। माँ ने कहा, ये चिन्मय आकाश है लीला, इस चिन्मय आकाश में स्थूल जगत के सभी दृश्य स्थित रहते हैं। जैसे ही लीला ने यह सुना कहने लगी, माँ क्या इस चिन्मय आकाश में मेरी राज्यसभा भी है, मेरा राजमहल भी है? माँ ने कहा, हाँ। अब माँ ने अगले ही क्षण अपने विमान को इशारा किया और माँ ने उस विमान को राज्यसभा के समक्ष जाकर रोक दिया। आज लीला ने जब वो दृश्य देखा तो वो तो अचंभित रह गई। सामने उसके मंत्री बैठे हैं, सामने राजा पद्म बैठे हैं और अब उन्हें देखकर वो प्रसन्न हो रही है। माँ को कहती है, माँ क्या मैं भी राजा पद्म के साथ जो सिंहासन है वहाँ जाकर बैठ जाऊँ? माँ ने कहा, हाँ। आज लीला वहाँ उस राज्यसभा को पार करती हुई उस सिंहासन पर जाकर बैठ गई। जैसे ही उस सिंहासन पर बैठी तो आज लीला ने अब इधर उधर देखा और उसे बड़ा क्रोध आ रहा है। क्योंकि तो माँ ने कहा, लीला तू क्रोधित क्यों हो रही है?
तब लीला ने कहा, माँ इन लोगों ने तो मुझे प्रणाम ही नहीं किया, मेरी जय जय जयकार ही नहीं की। माँ ने कहा, लीला ये सूक्ष्म जगत है, स्थूल जगत के वासी तुझे नहीं देख पा रहे, इन दृश्यों में तुझे कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए तू यूं व्यर्थ ही क्रोधित मत हो, बस देख यहाँ पर क्या घटता है। अब वहाँ उस लोक में वही घटना पुनः घटती है जो धरा पर घटी थी। एक दूत आता है, राजा पद्म को आक्रमण का संदेश देता है, राजा पद्म सेना को सज्ज करते हैं और युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगते हैं। और इधर जैसे ही लीला इस दृश्य को देखती है, वो राजा पद्म को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, दौड़ने लगती है, विलाप करने लगती है। माँ उसे पीछे से पकड़ती है और कहती है, लीला क्या कर रही है, ये आसक्ति के बंधन ही तो है जिसके कारण बार बार इस धरा पर आना पड़ता है। जो जाने वाला है वो चला जाता है, तुम उसे याद करते रहते हो। आसक्तियां ही हैं जो एक मनुष्य को इस आवागमन के चक्र में बांधती है, ये आसक्ति ही तेरे दुख का कारण है और इस आसक्ति से मुक्त करने में तुझे यहाँ लाई हूँ, तू फिर एक बार पुनः उसी ओर बढ़ रही है, क्या कर रही है लीला। अब लीला को फिर से सुधि आती है, माँ के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करती है और माँ कहती है, लीला चल मैंने तुझे बहुत से और लोक दिखाने हैं, ये सारे लोक अभी बहुत से लोक पड़े हैं, तू तो यहीं रुक गई। अब माँ विमान को पुनः आदेश देती है और वो विमान आगे बढ़ता है, चलता चला जाता है और अब माँ उस विमान को एक लोक के समक्ष लाकर रोक देती हैं। माँ कहती है, लीला देख इस लोक में झांक कर देख, ये लोक तुझे कैसा लगता है। लीला द्रुत गति से आगे बढ़ती है और जब उस लोक की ओर बढ़ रही है तो उस लोक से तो बड़ी ही सुंदर और मधुर ध्वनि आ रही है, उसे लगता है बहुत ही सुंदर लोक होगा। लेकिन जैसे ही उस लोक के भीतर झांक कर देखती है तो आज उसका मन तो खिन्न हो जाता है। वह कहती है, तेजी से माँ के पास आकर कहती है, माँ ये कैसा लोक था, यहाँ पे तो सब मादकता में डूबे हुए हैं, अश्लील कार्य कर रहे हैं, भोग विलासों में लिप्त है, ये कैसा लोक है। माँ कहती है, ये गंधर्व लोक है। लीला सुनती है, गंधर्व लोक, माँ ये गंधर्व लोक कौन सा लोक होता है। माँ कहती है, ये वो लोक है जिसमें मैं उन लोगों को लेकर आती हूँ जो इस संसार में रहकर जीवन रहते बहुत से पुण्य कार्य करते हैं, परंतु पुण्य करते हैं इस अभिलाषा में कि उसके बाद उन्हें स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो। उनके पुण्यों का आंकलन करने पर मैं उन्हें ये गंधर्व लोक देती हूँ जहाँ पर उन्हें स्वर्ग के सुख मिलते हैं और वो स्वर्ग के सुख भोगों में लिप्त रहते हैं, यहाँ पे वो भोग विलास करते हैं, अपने पुण्यों को क्षीण करते हैं और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस उन्हें 84 लाख के चक्र में पड़ना पड़ता है। लीला जब यह सुनती है तो आज उसे बहुत दुख हो रहा है, माँ क्या इन्हें कोई समझाता नहीं है, अपने पुण्यों को यूं ही क्षीण करते जा रहे हैं, माँ इनका क्या बनेगा, बाद में तो इन्हें बहुत दुख होगा। माँ कहती है, हाँ जब इनके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब इन्हें 84 के चक्र में पुनः आना पड़ेगा, और इनके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जीवन के रहते ये जीवन के दायित्वों को नहीं समझते। कौन सा है वो दायित्व जिसे एक इंसान नहीं समझता, क्या इस संसार के प्रति हमारे कर्तव्य है, बस सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा हमारी आत्मा के प्रति। भक्तों ये आत्मा 84 के फेरे में भटक रही है और ये मानव के तन को प्राप्त जब करती है तो मानव देह में आकर इसको अवसर मिलता है कि ये इस 84 के फेरे से मुक्त हो जाए, परंतु हमने क्या किया, आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट, इस संसार में आए हैं और इतनी मुश्किल से ये मानव तन मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। हमारे शास्त्रों ने इस देह की महिमा इसलिए गाई क्योंकि ये मोक्ष का साधन है, ये मोक्ष का साधन है, परंतु हमने इस देह को पाकर क्या किया, हम भूल गए, संसार के रसों में लिप्त हुए, संसार में खो गए,
हमने सोचा बस अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बस यही है, बाहर से पूजा भक्ति कर लो और अच्छे कर्म कर लो, दान पुण्य कर लो, बस यही जीवन है। परंतु भक्तों, अच्छे कर्म भी सत्व गुण के द्योतक हैं, लेकिन इंसान यहां इस धरा पर अपने विकारों के चलते माया के तीन गुणों से बंधा है, सत, रज और तम। ठीक है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो सात्विक गुण है और वह भी बंधन का ही कारण है। वो आपको स्वर्ग का आसन तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो आपको इस आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। हमारा जो परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य अपनी आत्मा के प्रति है, उसके उत्थान के प्रति है, उसको हमने विस्मृत कर दिया है। मुझे याद आती है एक घटना, प्रभु श्री राम जब वन में थे तो एक दिन एक स्थल पर बैठे थे और एक तक एक दृश्य को देख रहे थे, एक चट्टान पर उनकी नजर टिकी थी। लक्ष्मण जी ने पूछ लिया, प्रभु क्या देख रहे हैं? प्रभु ने जैसे ही यह सुना, लक्ष्मण जी को इशारा करके दिखाया, ये देख रहे हो, ये छोटी सी चींटी ऊपर चढ़ती है, गिर जाती है, पुनः ऊपर चढ़ती है, अभी कुछ ही समय पहले ये इंद्र के आसन पर स्थित थी, इंद्र के आसन पर स्थित थी। इंद्र का आसन आपको आपके पुण्य दिलवा सकते हैं, परंतु उस इंद्र के आसन को प्राप्त करने के बाद भी जब आपके पुण्य खत्म होंगे तो वापस 84 के फेरे में आना पड़ेगा, वापस आवागमन के चक्र में गिरना पड़ेगा। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने हमें, हमारी इस मानव जाति को सचेत किया है। हम अपना ये सारा जीवन इस संसार को बटोरने में, इस संसार के साथ आसक्तियां बांधने में लगा रहे हैं, परंतु भक्तों, जिस क्षण मृत्यु आएगी ना, ये अवसर छूट जाएगा। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने हमारे मानव समाज को सचेत करते हुए क्या कहा, आइए उसे श्रवण करते हैं। लाख 84 के हैं ये फेरे, लाख 84 के हैं ये फेरे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे। लाख 84 के हैं ये फेरे, लाख 84 के हैं ये फेरे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे। काल सर पे खड़ा, काल सर पे खड़ा देख तेरे, देख कैसे मृत्यु है ये खेल खेले, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे, संभल जा रे बंदे, संभल जा रे। पुतला है तू खाक में मिल जाएगा, संग न तेरे कोई धन या माल जाएगा, तो गज कफन का सिर्फ टुकड़ा एक पाएगा, क्या साथ लेके आया था जो लेकर जाएगा, फिर क्यों करता, फिर क्यों करता है मेरे मेरे, फिर क्यों करता है मेरे मेरे। काल सर पे खड़ा,
हर के दर का इंसाफ बड़ा सच्चा है, कोई बूढ़ा जवान है या कोई बच्चा है, कोई रिश्वत किसी इंसान की ना चलती है, और वकीलों की भी कोई दाल नहीं गलती है उसकी नजरों से। उसकी नजरों से कुछ ना बचे रे, उसकी नजरों से कुछ ना बचे रे, काल सर पे खड़ा देखते रे, काल सर पे खड़ा देखते रे, लाख चौरासी के हैं ये फेरे, लाख चौरासी के हैं ये फेरे, संभल जा रे बंदे संभल जा रे, संभल जा रे बंदे संभल जा रे, काल सर पे खड़ा देखते रे, देख कैसे मृत्यु है ये खेल खेले, संभल जा रे बंदे संभल जा रे, संभल जा रे बंदे संभल जा रे। कोई पता है कब आ जाए मृत्यु? कोई नहीं पता। अगला श्वास आए कि नहीं आए किसको पता है, लेकिन हम अनजान इस संसार में ही भटकते रहते हैं, इस संसार के बंधनों में ही पड़े रहते हैं, ना जाने कितनी बार इस चौरासी के फेरे में हम घूमे हैं, कभी वृक्ष बने कभी वनस्पति बने, ना जाने क्या क्या बने, लेकिन आज मानव बने हैं, ये अवसर है इस चौरासी के फेरे से मुक्त होने का। कितनी बार हमने उस ईश्वर से वादा किया अब नहीं भटकता, जठरा अग्नि में तपते हुए इंसान को जो संरक्षित करता है वो कौन है? वो परब्रह्म स्वरूपिणी माँ है। इस संसार के रिश्तों के लिए हम रोते हैं, इस संसार की वस्तुओं के लिए हम रोते हैं, ये रिश्ते नाते तो बस इस संसार तक ही सीमित है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई अर्जुन फूट फूट कर रोया, किसी भी तरह से उसे समझ नहीं आ रहा था, तब प्रभु उसे उस लोक में ले गए जहां अभिमन्यु था, और वहां उस लोक में जैसे ही अर्जुन ने अभिमन्यु को देखा उसकी आसक्ति तो फूट फूट कर बाहर निकलने लगी, मेरा पुत्र। लेकिन अभिमन्यु ने पहचानने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि भक्तों ये रिश्ते नाते तो कर्मों और संस्कारों पर आधारित हैं, इसी संसार में हम बनाते हैं। कितनी बार हम पिता बने पुत्र बने, उस लोक में किसी का कोई किसी से रिश्ता नहीं, कर्मों के कारण ये रिश्ते हैं, लेकिन हम उन्हीं आसक्तियों में अपने इस अनमोल जीवन को खत्म कर रहे हैं। इसलिए सचेत होने के लिए कह रहे हैं हमारे महापुरुष, केवल दान पुण्य यही नहीं है जिसे करके इंसान मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आज माने अपनी लीला से यह भी बता दिया, आप कितना भी दान पुण्य कर लो, इस संसार में आज दान पुण्य परोपकार करने का ये सब तो करना ही है, ये इससे हमें अपेक्षा नहीं रखनी, ये तो हमारा दायित्व है। मानव को माने सर्वश्रेष्ठ कृति कहा, उसका कर्म ही परोपकार होना चाहिए, लेकिन वो ये सब कर्म करता है लेकिन उसमें कामना होती है, उसमें इच्छाएं होती है, उसमें अहंकार होती है, उसमें इच्छा होती है मेरा नाम जाने लोग, मेरी प्रशंसा करें, मेरी वाहवाही हो, और अगर ये सब नहीं तो मुझे स्वर्ग के सुख मिले बाद में। ये सब मिल भी गया
तो भी वापस उन्हीं दुखों में आना पड़ेगा। इसलिए वो कर्म कौन सा है जिससे ये मृत्यु की गुत्थी सुलझती है? युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि संसार में हर क्षण किसी ना किसी की मृत्यु हो रही है। इंसान अपने स्वजनों की मृत्यु को देखता है लेकिन कभी ये नहीं सोचता उसे भी एक दिन मृत्यु आएगी। अगर वो ये सोच ले तो अवश्य ही वो इस मृत्यु को की पहेली को सुलझाने के लिए आगे बढ़ेगा। आज लीला ने भी जब उस लोक को देखा तो उसे समझ आ गई कि कितना अनमोल अवसर उसे मिला है जीवन का। माँ ने कहा, लीला अब तू विलंब मत कर, चल मैं तुझे एक और लोक दिखाती हूँ और भक्तों उस लोक में इस मृत्यु की पहेली को सुलझाने का जो सूत्र है वो हम जानेंगे। आज माँ उसे आगे लेकर गई और माँ ने कहा, जा इस लोक में देख ये कैसा लगता है तुझे। उस लोक की ओर जब लीला बढ़ी तो आज उस लोक के किवाड़ जब खोलकर देखे तो लीला तो आनंदमय हो गई। उसको तो बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि वो एक दिव्य लोक था, उसमें से शांति का स्पंदन हो रहा था और वह उस लोक को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। इतनी शांति क्योंकि उधर उस लोक में पंक्तिबद्ध होकर असंख्य ऋषि जो थे वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे, गहन ध्यान में बैठे हैं और कहीं वहाँ पर वह माँ की आराधना कर रहे हैं। यूँ उस लोक का दिव्य स्पंदन जब लीला को प्राप्त हुआ तो वह तो आनंदित हो गई, दौड़ती हुई माँ के पास आई और माँ को कहने लगी, माँ यह कौन सा स्थल है जो आपने मुझे अब दिखाया? ये कौन सा लोक है? ये तो अत्यंत दिव्य है। इस लोक में तो बहुत ही दिव्य तरंगे स्पंदित हो रही हैं, इतने सारे ऋषि मनीषी जो हैं वो गहन ध्यान में स्थित है, माँ ये कौन सा लोक है? तब माँ कहती है, ये जप लोक है और इस लोक का निर्माण मैंने किया है उन जीवात्माओं के लिए, अपने उन भक्तों के लिए जो इस धरा धाम पर रहते हुए मृत्यु की पहेली को सुलझा लेते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो मैं स्वयं उनको इस लोक में लेकर आती हूँ, उनके जो शेष कर्म होते हैं यहाँ पर वो ध्यान साधना कर उन कर्मों से भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं और उसके बाद मैं उन्हें परम पद प्रदान कर देती हूँ, आवागमन के चक्र से वो पूर्ण रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लीला ने सुना, माँ ये दिव्य लोक, इन दिव्य लोक में आने वाले लोगों के बारे में आपने बताया कि वो आपके भक्त होते हैं, माँ वो कौन सी गुत्थी है जिसे वो सुलझा लेते हैं, वो कौन सी युक्ति है जो उनके हाथ लगती है? तब माँ कहती हैं, उनके हाथ वो ज्ञान लगता है। भक्तों लीला को भी माँ ने वही ब्रह्म ज्ञान दिया था। वो युक्ति क्या है जिस युक्ति से हम आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? हमारे उपनिषदों में हमारे ऋषि मनीषियों ने उस युक्ति को एक श्लोक में कहा, उन्होंने कहा, वेदा मेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। बड़े आराम से इसको समझिए, वेदाह मेतम पुरखम महांतम, व ऋषि कहते हैं हमने उस परम पुरुष को देखा है जो अंधकार से परे है और वो परम प्रकाश स्वरूप है, हमने उसको देखा और उसे देखने पर हमने इस मृत्यु से पार होने की युक्ति पाली, हम इस मृत्यु के इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। एक श्लोक में उन्होंने पूरी युक्ति को रख दिया। वो युक्ति क्या है, इस आत्मा का उत्थान कैसे है? भक्तों वो ऋषि मनीषी जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान ही वो युक्ति है। इस जीवन के रहते अगर हम इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात इस घट के भीतर उस ईश्वर के दर्शन प्राप्त करते हैं, वो आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ी है, वो आत्मा उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, जब हम अपने अंतर घट में एक सद्गुरु की कृपा से उस ईश्वर के दर्शन को करते हैं और फिर ध्यान साधना में निमग्न होते हैं तो फिर हम मृत्यु से पार होने की युक्ति को प्राप्त करते हैं। और ये युक्ति हमें कैसे पार करती है ये कहानी हमें बताएगी।
आज माँ ने लीला को जब ये युक्ति बता दी तो लीला को कहा, तुझे भी मैंने वही ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर जब तू निरंतर ध्यान साधना करेगी ना, तो तू भी इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकती है, मैं तुझे भी इस लोक में लेकर आऊंगी। लीला ने इस बात को पकड़ लिया और माँ के चरणों में कहने लगी, माँ मैं समझ रही हूँ आपने मुझे वो ज्ञान क्यों दिया था। अब माँ कहती है, लीला चल अभी और भी पड़ाव शेष है। माँ अब लीला को एक अन्य लोक में लेकर जाती हैं। यूं असंख्य लोकों में भ्रमण करवाते हुए माँ अब कहती हैं, लीला अब मैं तुझे एक ऐसे क्षेत्र में लेकर जाऊंगी जहाँ पर तुझे लोग देख सकेंगे, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, वहाँ पर तूने कुछ बोलना नहीं है, तू कुछ बोलेगी नहीं, बस जैसा जैसा मैं कहूँगी वैसा वैसा करती जाना। अब माँ ने अपने विमान को आदेश दिया और विमान एक कुटीर के समक्ष आकर रुक गया। उस कुटीर में लीला और माँ ने दोनों ने प्रवेश किया। माँ ने उसे फिर से याद दिलाया, कुछ बोलना मत, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाना। उन दोनों ने प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ पर खाट पर एक वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। उन्होंने अपने समक्ष जब उन्हें देखा तो नेत्र ज्योति कम हो रही थी बुढ़ापे के कारण, बस ये पता चला कि दो देवियाँ आई हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी जो अंदर पाकशाला में थी उसे आवाज़ लगाई, गोमती अरे गोमती ज़रा देखो कौन आया है। जैसे ही यह स्वर सुना गोमती बाहर आई और उसने अपने समक्ष जब उन दोनों को देखा तो लीला को देखकर कहती है, आप तो मेरी सासू माँ जैसी लगती हैं, परंतु उनका तो देहांत हो गया है। लीला तो स्तब्ध रह गई, कुछ बोलने ही वाली थी कि इससे पहले माँ बोल पड़ी। माँ ने कहा, यह रानी लीलावती हैं और ये आपका हाल चाल पूछने आई हैं। लीला को माँ ने कहा, इनका हाल चाल पूछ लो और इनके लिए तुम जो कुछ करना चाहती हो वो सुनिश्चित करो, फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लीला ने उनका हालचाल पूछा और फिर माँ उसे लेकर उस कुटिया से बाहर आ गई। लीला के मन में बहुत उत्सुकता है, माँ आखिर ये कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर हम गए थे, ये कौन सा स्थान था। जैसे ही लीला ने यह पूछा तो माँ कहने लगी, लीला ये तुम्हारे पूर्व जन्म का घर था, पूर्व जन्म में भी तुम और राजा पद्म जो थे वो पति और पत्नी थे, ये तुम्हारे पुत्र और पुत्र वधु हैं जिनके समक्ष मैं तुम्हें लेकर आई थी, पूर्व जन्म में भी तुम एक ब्राह्मण दंपत्ति थे और तुम्हारे जो पति थे राजा पद्म वो श्रेष्ठ कर्म किया करते थे, परंतु उसके मन में हमेशा जब भी वो राजा की पालकी को निकलते हुए देखता था तो उसके मन में ये आता था कि काश मैं भी कभी राजा होता। और जब उसकी मृत्यु आई, मृत्यु का क्षण आया, तो उस क्षण भी उसे यही स्मरण हो आया, उसकी यही भावना थी कि काश मैं भी एक राजा होता, और इसलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके लेखे जोखे को देखकर, उसके कर्मों को देखकर उसे राजा पद्म का जीवन मिला। और उस जन्म में भी तू रोती थी कि कहीं मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तब भी तो यही चिंता करती रहती थी यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगी। इसीलिए जब तू इस चिंता में पड़ी हुई थी तो राजा पद्म की मृत्यु के बाद कुछ ही समय बाद तेरी भी मृत्यु हुई और तुझे भी तेरे लेखे जोखे के अनुसार रानी लीलावती का जन्म मिला हूँ। और आज फिर दोबारा एक बार वही घटना घटने वाली थी, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर आज मैंने तुझे उस घटनाक्रम से मुक्त कर दिया है। लीला तेरे कर्मों के लेखे जोखे से तुझे मुक्त करने इस यात्रा पर लाई थी, इस स्थान पर लाई थी। भक्तों, माँ ने आज एक गहन सूत्र हम सबके समक्ष उद्घाटित किया है, क्या आपने उसको पकड़ा? मृत्यु के समय जो स्मरण होगा ना, आगे की गति वैसे ही होगी, क्या आपने इस बात को पकड़ा? मृत्यु के समय जो चिंतन होगा वही आने वाला जन्म होगा, वही आने वाली गति होगी। मृत्यु के समय किसका चिंतन होना चाहिए? ये सब तो हमारी संस्कृति ने हमें पढ़ाया है, हमारे प्रबुद्ध जन हमें बताते हैं कि प्रभु का स्मरण होना चाहिए,
जब कोई मृत्यु की शैया पर होता है तो हम उसके आसपास शास्त्र ग्रंथों का पठन पाठन करने लगते हैं, उन्हें गंगा जल का पान करवाते हैं, उन्हें स्मरण करवाते हैं, उस ईश्वर पर ध्यान लगाओ। लेकिन भक्तों जानते हैं अंत समय में देह क्षीण हो जाती है, बुद्धि निर्बल हो जाती है, नैनों की पुतलियां उल्टी हो जाती हैं, जो समझने और सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। उस समय ईश्वर का चिंतन नहीं होगा अगर आपने जीवन भर उसका चिंतन नहीं किया तो। जिसका चिंतन आपने जीवन भर किया होगा ना, वही स्मृतियां आएंगी। अभी बताया ना स्मृतियां कितनी पावरफुल होती हैं। आपने जीवन भर जिसका चिंतन किया है, जिस पर अपना अभ्यास किया है, जिन्हें अपने हृदय में बसाया है, अंत समय आपको वही याद आएगा, अंत समय उसी का चिंतन होगा, और कुछ ईश्वर का चिंतन नहीं हो सकता। मुझे यहां पर एक वाक्य याद आता है। एक सेठ थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु की शैया पर लेटे थे और बस ऐसा था कि अब प्राण निकले कि कब प्राण निकले। अब वह मृत्यु शैया पर लेटा है और आज उसके सारे जो पुत्र पुत्र वधु, उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदार उसके समक्ष हैं, लेकिन नेत्रों से कम दिख रहा है। तो अब वो पूछता है कि सबसे छोटा बेटा कहाँ है। सबसे छोटा बेटा हाथ ऊपर करता है और कहता है, पिताजी मैं तो आपके यहीं पास में खड़ा हूँ। अच्छा फिर बड़ा बेटा कहाँ है। बड़े बेटे को भी देखा जाता है तो बड़ा बेटा कहता है, मैं भी यही हूँ। अच्छा इससे बड़ा बेटा कहाँ है। उससे बड़ा बेटा भी दूसरी तरफ खड़ा होता है, वो कहता है, पिताजी मैं भी आपके बिल्कुल पास ही खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा फिर तुम सबकी माता कहाँ है। पत्नी तो साथ ही बैठी है, तो पत्नी कहती है, मैं भी आपके साथ बैठी हूँ। अब उनको लगता है शायद इन्हें दिखना बंद हो गया है, समझ आना बंद हो गया है। वो उसे कहते हैं, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, प्रभु में ध्यान लगाइए, हम सब आपके पास ही हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी परवाह मत करें, आप ईश्वर में ध्यान लगाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप प्रभु को याद कीजिए। वो सेठ कहता है, अरे मूर्खो कैसे लगाऊं उस ईश्वर में ध्यान, तुम सब यहां बैठे हो तो उधर दुकान में कौन बैठा है। भक्तों ये हास्यास्पद बात है। उसे अपनी मृत्यु शैया पर किसकी याद आई। उसने सारा जीवन अपनी दुकान में लगाया था, उसे दुकान की याद आई। हमें भी वही याद आएगा भक्तों जिस पर हमने अपना सारा जीवन लगाया होगा। अगर हम अपना सारा जीवन, अपनी सारी सोच, अपनी सारी स्मृतियां इस संसार को देंगे तो अंतकाल में प्रभु याद नहीं आने वाला। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब ईश्वर की भक्ति करेंगे। बूढ़े हो जाएंगे, पहली बात तो यही गारंटी नहीं है कि बूढ़े होंगे या नहीं, और दूसरी बात बुढ़ापे में इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, तब कैसे करेंगे प्रभु की भक्ति। माँ आज ये सूत्र दे रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के भय से आपको मुक्ति मिले, आपकी मृत्यु भी आनंदमय हो। हमारे शास्त्रों में जहाँ पर मृत्यु से भय का वर्णन आता है, वहीं पर संतों ने यह भी कहा कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मरने से संसार डर रहा है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस संसार में रहते हुए ही उस प्रभु को प्राप्त कर लिया। और वो कहते हैं जब मेरी मृत्यु आएगी तो वो प्रभु स्वयं मुझे लेने आएंगे और फिर मैं उसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लूँगा। भक्तों यही युक्ति हमें भी अपनानी है। ये जीवन मिला है उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस भगवती को प्राप्त करने के लिए। इस जीवन के रहते अगर उसे प्राप्त किया तो अंत समय में उसी का चिंतन होगा। इस जीवन को प्राप्त करके अगर हमने उस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया और उसकी ध्यान साधना में निमग्न हो गए तो अंत समय में भी उनका चिंतन होगा और वह भगवती स्वयं हमें लेने आएगी। यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी, मृत्यु भी उत्सव बन जाएगी। ये बात सिखा रही है ये गाथा हमें। और आज जब लीला को ये रहस्य समझ आया, उसे समझ आया कि माँ ने तो सहज ही मुझे वो ज्ञान दे दिया, उसे समझ आया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आज उसने जब माँ के उस दिव्यता को जाना, माँ के उस सामर्थ्य को जाना, जब माँ के उस
उस भावना को जाना जो उसकी भावना थी उसके प्रति, तब आज लीला ने उनके चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया, उनके चरणों में स्थित हो गई और कहने लगी, माँ मैं तो व्यर्थ ही संसार के लिए दुखी हो रही थी, आज तुमने मुझे जीवन का अर्थ समझा दिया है, तुम ना होती तो एक बार फिर मैं उसी माया जाल में, उसी 84 लाख के फेरे में पड़ जाती। हे माँ, तुमने ये जो दिव्य कृपा मुझ पर की है, अब आज से मेरा सर्वस्व आपका, मेरा जीवन आपका, मेरी श्वासें आपकी, मेरा प्राण आपका, मेरा कर्म आपका, मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में हूँ माँ, मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में हूँ। जब जब भक्तों ने, जब जब एक मानव ने गुरु से ऐसा परम ज्ञान प्राप्त किया है और उस परम ज्ञान को प्राप्त कर ध्यान साधना की है, तब तब उसके भीतर यही शरणागति का भाव जागा है भक्तों। और इस शरणागति के भाव को जिसे हर भक्त ने पाया, उस शरणागति के भाव को कैसे स्वरित किया, आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। चरणों पर हों अर्पण, मेरे चरणों
सुमित मेरा नंदन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण सारे राग विराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब एक यही मेरा बंधन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। सद्गुरु रूपिणी माँ की कृपा को प्राप्त कर वो धन्य धन्य हो गई है और उसने अपना सब कुछ माँ के श्री चरणों में अर्पित किया। शरणागति का ये भाव जानते हैं भक्तों, ये सर्वोत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ भाव होता है। देवी गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के मुख से सुना था, ना शिकवा ना शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है आपकी मर्जी। ये प्रार्थना होती है उस भक्त की जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया होता है अपने गुरु के श्री चरणों में, उस ईश्वर के चरणों में। उसका जीवन कैसा हो जाता है? वह कहता है, हे प्रभु, मैं आपका यंत्र हूँ, आप मेरे यंत्री हो, उठाओ इस यंत्र को और करा लो जो भी करना है। और तब प्रभु अपने ऐसे यंत्र को उठाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के हाथों का यंत्र बने अर्जुन। अर्जुन जब यंत्र बने तो प्रभु ने उन्हें महासमर का महायोद्धा बना दिया, विजय श्री प्रदान कर दी। भक्तों, ये समर्पण जब पैदा होता है ना, तो मानव के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ले आता है। लेकिन शरणागति, हम भी बहुत लोगों के चरणों में जाकर शरणागत हो जाते हैं। एक गुरु की बात जब आती है तो उसके चरणों में शरणागत हो जाते हैं, परंतु शरणागति किसकी? ऐसे ही किसी के भी चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित नहीं करना, ये जीवन बहुत अनमोल है। शरणागति उसकी होना चाहिए जिसका सामर्थ्य आपने देख लिया है, क्योंकि सामर्थ्य जब देखेंगे तब विश्वास पैदा होगा। और शरणागत उसी के हुआ जाता है जिस पर विश्वास हो। परंतु कैसा विश्वास और कैसे गुरु पर करें विश्वास? हम एक आध्यात्मिक सभा के भीतर बैठे हैं और हमारी जीवन की बाजी है, जीवन की बाजी है। इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने का यही अवसर है, और इस अवसर में हम कैसे गुरु पर विश्वास करें, किसके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करें कि वो हमें आवागमन के चक्र से मुक्त करवा दे। ये जो घटना लीला के जीवन में घटी, ये हम सबके जीवन में घट सकती है। घटना कठिन नहीं है, ये अंतर की अनुभूतियां कठिन नहीं है, ये अंतर की यात्राएं कठिन नहीं है। कठिन है एक पूर्ण तत्ववेता सद्गुरु का होना। तो यहां पर
स्वामी विवेकानंद जी हमारी इस शंका का निवारण करते हैं, क्या गुरु पर विश्वास करें और कैसे गुरु पर विश्वास करें। एक बार एक स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने एक वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने गुरु की महिमा गाई। सभा के अंत में एक व्यक्ति उनके पास आया और उस व्यक्ति ने कहा, आपका वक्तव्य सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न है, आपने लेक्चर में बोला था गुरु पर विश्वास होना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या सच में गुरु पर विश्वास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं नहीं। अब वो व्यक्ति हतप्रभ रह जाता है कि लेक्चर में बोला था करना चाहिए, अब बोल रहे हैं नहीं, तो उसे लगता है शायद मेरा प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया, तो मैं पुनः पूछता हूँ। उसने फिर से पूछा, स्वामी जी क्या ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्या गुरु पर विश्वास करना चाहिए। तो अब दूसरी बार जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हाँ करना चाहिए। अब वो व्यक्ति और कंफ्यूज हो गया कि विश्वास करना है कि नहीं करना है, पहले बोला हाँ फिर बोला ना, अब बोल रहे हैं फिर से हाँ। तो वो तीसरी बार पूछता है कि क्या गुरु पर विश्वास करना चाहिए, स्वामी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी कहते हैं अंधविश्वास करना चाहिए। अब उसको तीन उत्तर एक प्रश्न के मिले हैं, वो कन्फ्यूज्ड है। उसने फिर से पूछा कि आपने एक ही प्रश्न के तीन उत्तर दिए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो स्वामी जी कहते हैं देखो, जब तक तुम्हें एक ऐसे गुरु ना मिले जो तुम्हें तुम्हारे अंतर्घट में ईश्वर के उस भगवती के दर्शन करवा दे, तब तक उस गुरु पर विश्वास मत करना। क्योंकि हमारे समस्त शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि गुरु वही है जो उस ईश्वर के दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखता हो। हमने कल इस पर विस्तृत चर्चा की थी और हमारे हर एक ग्रंथ में यही बात कही गई है कि जो ईश्वर के दर्शन करवाता है वही पूर्ण सद्गुरु है। उसके उसके चरणों में जब तक वो नहीं मिलता तब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एक ऐसे गुरु मिल जाए जिनके लिए हम कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिन्होंने मेरे भीतर का अंधकार अज्ञान दूर किया, उस ज्ञान चक्षु को मुझे प्रदान कर, ईश्वर की अनुभूति अंतर्घट में प्रदान कर, ऐसे गुरु पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए दूसरी बारी में मैंने कहा हाँ। और जब ऐसे गुरु मिल जाए और वो तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान दे दे, तुम्हें घट के भीतर उस ईश्वर के दर्शन करवा दे, तो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते हुए उनकी आज्ञा में चलते हुए तुम्हें उन पर अंधविश्वास करना चाहिए, उनके चरणों में पूर्ण शरणागत हो जाना चाहिए। क्योंकि वह उनका सामर्थ्य तुमने देख लिया है, वो तुम्हें इस भव से पार करा देंगे। इसीलिए भक्तों हमारे समस्त ग्रंथों ने गुरु की महिमा को गाया और उनको शब्द नहीं मिले तो गुरु की महिमा में उन्होंने नेति नेति कह दिया और फिर भी प्रयास किया अलग अलग उपमाओं से उनकी महिमा को गाने का। एक श्लोक जो आप सबको आता है लेकिन शायद उसका मतलब नहीं पता, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आता है ना ये सबको श्लोक, क्या इसका अर्थ समझते हैं? हमारे ऋषियों ने गुरु की महिमा गाते हुए इस श्लोक को लिखा और वह कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा के समान है, ब्रह्मा द क्रिएटर, जिन्होंने इस सृष्टि को क्रिएट किया, जिनकी ड्यूटी क्रिएशन की है, ऐसे ही होते हैं गुरु। क्योंकि वह एक सामान्य से जनमानस को, एक सामान्य से व्यक्ति को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान जब करते हैं, उसके अंतर्घट में जब ब्रह्म ज्ञान को जागृत करते हैं, जब ब्रह्म को जागृत करते हैं, तो वो उसे दूसरा जन्म देते हैं। जैसे ब्रह्मा ने हमें ये देह दी, उनकी कृपा से हमें ये देह दी मिली, तो गुरु जब जीवन में आते हैं तो वो हमें दूसरा जन्म देते हैं। हमारी आत्मा को का जन्म होता है, वो आध्यात्मिक जन्म हमें देते हैं, हमें द्विज बना देते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मा कहा गया। और जन्म देकर छोड़ नहीं देते, जैसे भगवान विष्णु अपनी सृष्टि का पालन करते हैं, वैसे ही एक गुरु अपने शिष्य का पग पग पर पालन करते हैं,
पग पग पर उसकी रक्षा करते हैं, पग पग पर अपनी आज्ञाओं से उसका मार्गदर्शन करते हैं। और जब कभी उसके जीवन में कोई संकट आता है, चाहे वो बाहरी हो या फिर भीतरी हो, चाहे वो मन के विकार हो, चाहे वो बाहरी परिस्थिति हो, वह गुरु क्या करते हैं, वो महेश्वर रूप धारण कर लेते हैं, उसके जीवन के संकट को स्वयं हरते हैं, उसकी विपदाओं को स्वयं हरते हैं। जैसे महेश्वर ने हलाहल धारण किया था कंठ में, ऐसे ही वह गुरु भी उसके विकारों को स्वयं हरते हैं, क्योंकि वह गुरु जब एक शिष्य को ज्ञान देते हैं तो वो यहाँ स्थित हो जाते हैं और वह निरंतर उसका मार्गदर्शन करते हैं। और चौथा अंतिम वह कहते हैं, ये भी कहना, ये भी इतना भी इनफ नहीं है कहना, इसके बियॉन्ड भी है, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप है, क्योंकि वह अपने शिष्य के लिए सृष्टि के नियमों को भी बदलने का दम रखते हैं। उस ईश्वर ने, उस प्रभु ने अपने भक्त प्रहलाद के लिए जड़ खंभे में से वो प्रकट हुए। गुरु अपने शिष्यों के लिए मृत्यु को भी चुनौती दे देते हैं। एक घटना आती है, एक नाथ जी का एक शिष्य, उसको लेकर वो जा रहे थे मार्ग से, और मार्ग में रात्रि आई तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा, यहाँ पर अब शयन करेंगे कुछ समय के लिए, तुम पहले सो जाओ और मैं बाद में सोऊंगा। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, पहले आप सोइए, मैं बाद में सोऊंगा, मैं पहरेदारी करता हूँ। गुरु ने कहा, नहीं तुम सो जाओ। अब जब शिष्य सो रहा था तो रात्रि के अंधकार में वहाँ पर एक घटना घटी, एक सर्प वहाँ आया। सर्प आया था शिष्य को खत्म करने के लिए, उसको दंश करने के लिए। तब गुरु ने उस सर्प को वहाँ पर रोका और उस सर्प को कहा, तो मेरे शिष्य पर प्रहार नहीं कर सकते, उसको दंश क्यों दंश करना चाहते हो? पूर्व जन्म के लेखे जोखे थे। उस सर्प ने कहा, कितनी बार, कभी मैं सर्प बनता हूँ, कभी मैं इसकी हत्या करता हूँ, कभी ये मेरी हत्या करता है, और इस बार मेरी बारी है। उस समय एकनाथ जी ने क्या किया, उन्होंने कहा, तुम्हें इसका रक्त चाहिए ना? एकनाथ जी रात्रि में अपने शिष्य के वक्ष पर बैठ गए, उसके गले में चीरा लगाया और एक रक्त का प्याला भर करके दे दिया उस सर्प को। उस शिष्य को पीड़ा हुई, परंतु उसे अपने गुरु पर विश्वास था, उसने नेत्र मूंधे रखे। अगले दिन प्रातः हुई, उसके गले पर मलम पट्टी हुई हुई थी और वो बिना कुछ पूछे चल पड़ा। भक्तों, एक गुरु जो होते हैं ना, वो अपने शिष्य की रक्षा के लिए कर्मों के लेखे जोखों को काटने के लिए मृत्यु को भी चुनौती दे देते हैं, अपने शिष्य को जीवन दान देने का सामर्थ्य रखते हैं। और आज अब जब लीला के जीवन में माँ की ऐसी दिव्य कृपा हुई, तो माँ अब उसको अंतिम पड़ाव पर लेकर आई, और वह था उसका ही अपना कक्ष, जहाँ पर उसकी देह ध्यान की अवस्था में निमग्न थी, समाधि की अवस्था में थी। माँ ने आज उसके मस्तक पर हाथ रखा और उसके सूक्ष्म देह का संचार वापस उसकी स्थूल देह में किया। और अब जो लीला उठी, वो लीला नहीं थी जो अपने पति की मृत्यु के लिए रो रही थी। अब जो लीला उठी, वो लीला थी जिसने अपने जीवन के रहस्य को समझ लिया था, जिसने अपना सर्वस्व भगवती के चरणों में अर्पित कर दिया था। और आज अब वह माँ के चरणों में आकर नतमस्तक होती है और कहती है, माँ आप जैसा जैसा कहेंगी मैं वैसा वैसा करूँगी, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। उस क्षण माँ ने एक और लीला की। माँ उस तरफ बढ़ गई जहाँ पे राजा पद्म की देह पुष्पों से ढकी हुई रखी थी, और आज माँ ने अपनी शक्ति से राजा पद्म को भी जीवन दान दे दिया, उनकी मृत देह को भी पुनर्जीवित कर दिया। और आज महारानी लीला और राजा पद्म दोनों वहाँ माँ के समक्ष खड़े हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। ये है एक गुरु का सामर्थ्य, वह अपने शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे जीवन दान भी दे सकते हैं, क्योंकि वह समस्त सृष्टि के समस्त शक्तियों के धारक हुआ करते हैं। परंतु भक्तों, ये मत समझना कि ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा और मृत्यु नहीं आएगी, ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा और संकट नहीं होंगे जीवन में। बात जिसे पकड़ना है वो ये है कि अगर हमें अपने जीवन में ऐसे गुरु मिल गए
जो एक पूर्ण तत्ववेता गुरु हैं, तो फिर हमें अपने जीवन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके चरणों में, उनकी आज्ञाओं में जब हम जीवन यापन करेंगे, तो वो गुरु जानते हैं। अगर जीवन दान देने में आध्यात्मिक उन्नति होगी, तो जीवन दान भी वो दे सकते हैं। और अगर जीवन का अंत करके नई देह में आना सुनिश्चित होगा, तो वह भी आपके लेखे जोखों को देख कर वो आपके साथ वैसी लीला कर सकते हैं। आज राजा पद्म और महारानी लीला के जीवन में ये इसलिए घटा, क्योंकि जहाँ लीला के कर्मों के लेखे जोखे खत्म करने हैं, उसके साथ जुड़े हैं राजा पद्म के जीवन के कर्म भी। आज माने उन दोनों को अब कहा, राजा पद्म को भी वो ब्रह्म ज्ञान दिया और उन दोनों को कहा, अब तुम श्रेष्ठ पथ का अनुसरण करो, इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलो, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, अपने साम्राज्य को भी उस आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाओ। और भक्तों, उन दोनों के जीवन का जब ये संकट खत्म हुआ, माने अपनी शक्ति से वो युद्ध जो चल रहा था, उस युद्ध का भी अंत करवाया। और आज अब संपूर्ण वो जो नगरी थी, वहाँ के वासी थे, वो आनंदित हैं। उस समय राजा पद्म और महारानी लीलावती, वह अपने राज्य के जो राज्य में स्थापित जो महा सरस्वती का मंदिर था, वहाँ गए और आज उन्होंने वहाँ पर बसंत पंचमी का आयोजन किया, माँ सरस्वती का पूजन किया। आइए भक्तों, माँ की ऐसी दिव्य लीला को आज हमने श्रवण किया है, उनकी कृपा के अनुदानों को, उनकी शक्ति को हमने जाना है। आए हम माँ के श्री चरणों में अपने भावों को अर्पित करेंगे, माँ का पूजन करेंगे। और बसंत पंचमी का पर्व जो आप साल दर साल मनाते हैं, आज उस बसंत पंचमी के पर्व को यहाँ इस प्रांगण में मनाएंगे और उसके बाद उस बसंत पंचमी के पर्व को भी डीकोड करके लेकर जाएंगे, समझ कर जाएंगे कि कैसे हमारे जीवन में भी वो सच्ची बसंत आ जाएगी। आज राजा पद्म और रानी लीलावती के जीवन में सच्ची बसंत आई है, जीवन के कर्म बंधनों से वो मुक्त हुए हैं और आज अब जीवन का नवीन आरंभ होने जा रहा है, इसलिए वो माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। चलिए भक्तों, हम भी चलते हैं और मनाते हैं बसंत पंचमी का वो पर्व। Thank you.
के जीवन में तो बसंत आ गई। उनके जीवन में बसंत तब आई जब उन्हें सद्गुरु रूपिणी मां सरस्वती का सानिध्य मिला। भक्तों, ये बसंत पंचमी हम साल दर साल मना रहे हैं, और इस बसंत पंचमी को कैसे मनाया जाता है, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? क्योंकि उसमें वो सूत्र छुपा है
जिसे हमें पकड़ना है, जिससे हमारे समाज की रूपरेखा में भी बसंत आ सकती है और हमारे निजी जीवन में भी बसंत आ सकती है। भक्तों, बसंत क्या है? इट मार्क्स द एडवेंट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ऋतुराज का आगमन हो रहा है, जहां सब ओर आनंद है, प्रकृति प्रफुल्लित है। ये संकेत है जीवन के एक नए आरंभ का, जीवन के एक न्यू स्टार्ट का, एक ऐसी बिगिनिंग का जो बिगिनिंग प्रफुल्लित आनंद और संपन्नता से संपन्न है। हमारे जीवन में ये बसंत कैसे आए? ये बसंत पंचमी जब मनाई जाती है देश भर में, तो दो कार्य होते हैं और उन दो कार्यों में ही, उन दो तरीकों में ही निहित है वो दो सूत्र, एक समाज के लिए और एक अध्यात्म जगत से हम सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। जब इस बसंत पंचमी को मनाया जाता है तो दक्षिण भारत के ऐसे क्षेत्र हैं और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर विद्यालयों में इस पर्व को मनाया जाता है। और दक्षिण भारत में आज भी ऐसी परंपरा है कि 4-5 वर्ष के जो बालक होते हैं उनका विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ होता है, किया जाता है आज के दिन। उनका विद्यारंभ संस्कार होता है आज के दिन और फिर शिक्षा के लिए वो लोग जाते हैं। दूसरी चीज़ जो की जाती है और बड़ी मान्यता है जिसकी, वो यह है कि बसंत पंचमी के दिन त्रिवेणी संगम में जाकर त्रिवेणी में स्नान किया जाता है। और इसका महत्व ये है, कहा यह जाता है कि जो इस दिन त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करता है वो अपने समस्त पापों से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये विशेष दिन है। अब इन दोनों ही सूत्रों में हमारे समाज के लिए और हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक पक्षों को हम समझेंगे। पहले सामाजिक पक्ष को लेते हैं। सामाजिक पक्ष, इस बसंत पंचमी के दिन विद्यारंभ संस्कार ये जो किया जाता है, माँ सरस्वती विद्या की प्रदायिनी है और हमने सुना कि वो दो प्रकार की विद्याओं की प्रदायिनी है। एक है वो ब्रह्म ज्ञान, वो पराविद्या, वो ईश्वर की अनुभूति, वो ब्रह्म ज्ञान, और दूसरा है सांसारिक विद्या। अब हमारे समाज में एक बात आपने बहुत सुनी होगी, एजुकेशन एम्पावर्स, एजुकेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, हमने ये सुना हुआ है। और आज हमारे समाज में लिटरेसी के ऊपर बहुत जोर है, पढ़ाने पर बहुत जोर है, एजुकेशन पर बहुत जोर है। हम अपने बच्चों को ऊंची ऊंची डिग्रीज तक पढ़ाना चाहते हैं, वो ऊंची ऊंची शिक्षा हासिल करें, हम इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। परंतु भक्तों, जहाँ अपराविद्या अर्थात सांसारिक विद्या उन्हें दी जा रही है, वहाँ पर क्षति किस चीज़ की हो रही है? संस्कारों की क्षति हो रही है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, जो एंग्लिसाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसके भीतर एक स्टूडेंट जब स्कूल जाता है तो उसे दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन दी जाती है और यूँ बच्चों को इन्फॉर्मेशन का गोदाम तो बनाया जा रहा है। वहाँ से वो बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर बड़े बड़े पदों पर तो पहुँच जाते हैं, परंतु उनके भीतर जो मॉरल वैल्यूज़, जो संस्कार होने चाहिए थे, जो संवेदनाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखती। आज यही कारण है कि हमारे देश में जो बच्चे हैं वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो सेंशुअलिटी में पड़े हुए हैं, वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ में पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे ये सब कार्य कर रहे हैं। उन्हें अपनी टीचर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, उन्हें अपने देश के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। ऐसे बच्चे जो इस देश का फ्यूचर हैं, अगर इस देश के बच्चे ही ऐसे संस्कार विहीन हो जाएंगे तो ये कैसी विद्या हम उन्हें दे रहे हैं? जानते हैं, हमारे प्राचीन काल में जब ये विद्यारंभ संस्कार होता था तो उस समय बच्चों को भेजा जाता था गुरुकुलों में। गुरुकुलों में जब वो जाते थे तो गुरुकुल के जो आचार्य होते थे वो ब्रह्म ज्ञानी होते थे, उनके पास अपरा और परा विद्या दोनों होती थी। उन्होंने अपने घट के भीतर उस ईश्वर के दर्शन किए होते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी होते थे और वह बच्चों को संस्कारित करते थे, उनको संस्कारों से पहले पोषित करते थे और संस्कारों से पोषित कर फिर समय आने पर वह उनका उपनयन संस्कार करते थे। उपनयन संस्कार आज भी होता है, परंतु हमें पता नहीं है कि वो क्या होता है।
उपनयन अर्थात यह नयन जो तृतीय नेत्र यहाँ पे स्थित है उसका उन्मीलन कर देना, ये उपनयन संस्कार है जो बच्चों का किया जाता था हमारे वैदिक गुरुकुलों में। और जब बच्चों का उपनयन संस्कार होता था तो वह उस परम चेतना के साथ जुड़कर महान चरित्र को प्राप्त करते थे। और यूं एजुकेशन सिस्टम जो था उस समय का, जो एजुकेशन सिस्टम था वो बच्चों के जीवन के भीतर बसंत लाता था। बसंत कब आती है? जब चारों ओर प्रफुल्लता हो। लेकिन हमारा जीवन जब विकारों से ग्रसित रहेगा, हमारा मन जब विकारों से ग्रसित रहेगा तो हमारे जीवन में बसंत नहीं आएगी। अगर बच्चों के भीतर भी विकार पनपेंगे तो प्रतिभाएं जो हैं वो सो जाएंगी, मर जाएंगी। और ऐसे व्यक्तित्व के भीतर जड़ता पनपती है, उत्साह नहीं पनपता, श्रेष्ठता नहीं पनपती। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो इस बात पर आधारित था कि पहले माँ सरस्वती का वो जो ज्ञान है वो पराविद्या और अपराविद्या दोनों को एक साथ लेकर बढ़ा जाता था। आज हमारे ना टीचर्स ब्रह्मज्ञानी हैं और फिर बच्चों को वो संस्कार कैसे देंगे, और ना ही पेरेंट्स के पास वो ज्ञान है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तहत इस क्षेत्र में भी रेवोल्यूशन लाई है। महाराज श्री ने 2007 में DJJS मंथन की स्थापना की, संपूर्ण शिक्षा प्रकल्प दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जिसका नाम है मंथन, उसकी स्थापना की। और इसकी स्थापना की उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की तरफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम का कोई ध्यान ही नहीं था। महाराज श्री ने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए और देश के बीहड़ इलाकों में, बिहार जैसे जो इंटीरियर के इलाके हैं जहां नदी पार करके जाना पड़ता है, ऐसे इलाकों में महाराज श्री ने संपूर्ण विकास केंद्र खोले, सप्लीमेंट्री एजुकेशन स्कूल्स खोले। और वहां पर जो टीचर्स थे वो ब्रह्मज्ञानी टीचर्स थे। उन ब्रह्मज्ञानी टीचर्स ने इन बच्चों को सुसंस्कारित तो किया, साथ में मॉडर्न एजुकेशन के जो टूल्स थे उनसे इनको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से भी तैयार किया। और देखते ही देखते एक दशक के भीतर आज वही बच्चे जिन्होंने 2007 में मंथन के स्कूल को ज्वाइन किया था किसी भी कक्षा में, आज उनमें से कई बच्चे हैं जो IIT में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बन गए हैं। ये है वो बसंत जो हमारे समाज को देखना है। भक्तों, ये तब संभव होगा जब हमारे समाज में भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए ऐसे स्कूल्स में भेजेंगे, ऐसे क्षेत्रों में भेजेंगे जहां पर ब्रह्म ज्ञान पर आधारित शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए। और दूसरी बात, महाराज जी का कार्य यही रुका नहीं। COVID-19 के दौरान लॉकडाउन में हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आए और कंप्लेंट्स आती थी कि हमारे बच्चे जो है सारा दिन TV देखते हैं, गलत चीज़ें सीख रहे हैं, दे हैव लॉस्ट इट। और तब महाराज श्री की इंस्पिरेशन से एक दूसरा फेज शुरू हुआ मंथन का, संस्कार शाला, एक ऐसी वर्कशॉप का निर्माण किया गया। हर महीने ऐसी वर्कशॉप देश भर में की गई और उनमें वो बच्चे आए जो मॉडर्न एजुकेशन को पब्लिक स्कूल्स में रिसीव कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ ये कुछ घंटों की, 2-2.5 घंटे की वर्कशॉप होती है। और उस वर्कशॉप का प्रभाव ये है कि कल तक जिनका स्क्रीन टाइम 12-12 घंटे हो गया था, आज वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, वो वेद मंत्र सीख रहे हैं, वो कविताएं लिखते हैं, वो प्लेज में इनैक्ट करते हैं और वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आप भी स्क्रीन टाइम कम कीजिए, हमें TV नहीं देखना, हमारे साथ बाहर खेलने चलिए। ये संस्कार उन्हें दिए जा रहे हैं। केवल ये सब बातें नहीं, उन्हें भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा जा रहा है। पिछले एक वर्ष में 583 वर्कशॉप्स की हमने देश भर में संस्कार शाला की, जिसमें हजारों बच्चों को हमने संस्कारों से पोषित किया। और आज वो बच्चे जो हैं वो संस्कृति के साथ भी जुड़े हैं और अब वो बच्चे देश का एक ऐसा फ्यूचर बन गए हैं जो देश को भी आगे लेकर जाएंगे। भक्तों, समाज में जब ऐसा बसंत आएगा ना, तब हमारा समाज परिवर्तित होगा। और अब अंत में आइए सुनते हैं आध्यात्मिक पक्ष। हमारे जीवन में हमारा जो बोझिल जीवन है उसमें बसंत कैसे आए,
त्रिवेणी संगम में जाकर गोता लगाते हैं और सोचते हैं पापों से मुक्ति हो जाएगी। भक्तों एक बात बताइए, उन नदियों को तो हमने ही विषाक्त कर दिया है, इस तन को तो शायद फिर भी वो निर्मल कर सके, उसमें भी मुझे डाउट है क्योंकि हम इतना अपवित्र कर रहे हैं अपनी नदियों को, लेकिन इस मन को बाहर का जल कैसे पवित्र करेगा? सोचा है कभी आपने? बाहर की त्रिवेणी में गोता लगाने से, बाहर के जल में गोता लगाने से मन कैसे पवित्र होगा? नहीं, माँ सरस्वती का एक रूप है नदी का रूप। आप जानते हैं इस देह को भी एक विश्व कहा गया, और जैसे इस विश्व में हजारों हजार नदियां प्रवाहित होती हैं ना, इस देह के भीतर भी बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जिनका नाम जानते हैं क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती। और वो 3 नाड़ियां कौन सी है? ईड़ा और पिंगला, गंगा और यमुना है, और पीछे रीढ़ की हड्डी में मूलाधार से आती हुई एक सूक्ष्म नाड़ी है जो यहाँ पर आकर गंगा और यमुना, ईड़ा और पिंगला से मिलती है और यहाँ पर क्रिएट होता है इनर त्रिवेणी संगम। बाहर का त्रिवेणी संगम संकेत है इस इनर त्रिवेणी संगम का, और हमारे महापुरुष इस त्रिवेणी संगम में गोता लगाते थे ध्यान की अवस्था में उतरकर, और अपने पापों से, जन्मों जन्मों के कर्मों से मुक्त होते थे। परंतु प्रश्न है, ये त्रिवेणी संगम कैसे एक्टिवेट हो? जब जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं ना और वो ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान ही वो एक्टिवेशन प्रोसेस है। जब सद्गुरु आते हैं, आपके मस्तक पर हाथ रखते हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, तो होता क्या है? जब वो शक्तिपात करते हैं तो ये सुषुम्ना जो है ना, ये सोई हुई है, इनएक्टिवेटेड है। इस सोई हुई सुषुम्ना को, इस इनएक्टिवेटेड सुषुम्ना को गुरु अपनी शक्ति से एक्टिवेट कर देते हैं, और जब वो एक्टिवेट होती है तो यहाँ पर संगम क्रिएट होता है ईड़ा और पिंगला के साथ, और तब यहाँ पर हम शुभ्र ज्योति का दर्शन करते हैं, उस दिव्य ज्योति को देखते हैं अंदर। और जब उस दिव्य ज्योति को देखते हैं और उस दिव्य ज्योति में, इस त्रिवेणी में जब ये मन ध्यान की अवस्था में उतर कर स्नान करता है, तो वो पवित्र होता है, उसकी जन्मों जन्मों के कर्म जो हैं उनसे वो मुक्ति को प्राप्त करता है। और जैसे जैसे वो ध्यान करता जाता है, ध्यान प्रगाढ़ होता है, और वही ध्यान जो है अंत समय में जब मृत्यु आती है, उसी ध्यान में रत होकर इंसान आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्तों ये है वो आध्यात्मिक रहस्य, जिसने इसे समझ लिया ना, उसके जीवन में सच्चा बासंती आता है। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मन बासंती नहीं हुआ तो पतझड़ ही होगा जीवन में, है बासंती आत्मक्रांति ही गुरुवर के जीवन दर्शन में। मन बासंती नहीं हुआ तो, अगर इस मन में कालिमा है ना, तो बाहर से जितना मर्जी न्यू स्टार्ट कर लो, नहीं होगा कुछ भी। मन को बासंती करना है, और मन बासंती कब होगा? जब वह जड़ से हटकर, इस संसार के ध्यान से हटकर, उस चेतन के ध्यान से जुड़ेगा। वह जो प्रभु अंदर बैठे हैं, वह भगवती अंदर बैठी है, उसके ध्यान के साथ जब जुड़ेगा, तब मन बासंती होगा, तब इस त्रिवेणी में स्नान करके मन बासंती होगा। और ये तभी संभव है जब आपके जीवन में एक पूर्ण तत्ववेता गुरु आएंगे, पूर्ण तत्ववेता सद्गुरु आएंगे। वो सद्गुरु के पास ही वो एक्टिवेशन प्रोसेस है, वो ब्रह्म ज्ञान है, उससे ही आप भी अपने इनर त्रिवेणी संगम को एक्टिवेट करवा सकते हैं। और गत कई दिवसों से आपको बता रहे हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल इस कथा को नहीं, उस ब्रह्म ज्ञान को भी लेकर आया है आपके समक्ष, क्योंकि ये बातें सुननी खोखली हैं अगर उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आपने नहीं किया। इसलिए उठिए, जागिए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, मृत्यु की पहेली को सुलझाइए, और आप इसने अब इस जीवन के रहते हुए उस भगवती के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है, जिसके साथ, उसके साथ नाता जोड़ लीजिए। ये जीवन भी सफल हो जाएगा और मृत्यु भी सफल हो जाएगी। भक्तों इसी के साथ आज के कथा प्रसंग को यहीं संपन्न करते हैं। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, माता सरस्वती की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद।
तो आइए आज की सभा को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए आज की मंगल आरती में हम सम्मिलित होंगे। आरती के लिए मैं जिन भक्तों के नाम अनाउंस करूंगा वो आरती के लिए मंच के पास आएंगे। अतिथि हैं, कथा के यजमान हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में मुख्य अतिथि पधारे हैं श्री अजय कुमार जी, जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं बीजेपी के। मैं महामाई के दरबार में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आरती के लिए कृपया मंच के पास पधारें। श्री सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी महानगर अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री विशाल वर्मा जी प्रचारक हैं आरएसएस के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री मणिराम नौटियाल जी महानगर अध्यक्ष हैं सहकार भारती के। श्री शैलेंद्र जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। डॉक्टर सुनील कुमार कुंडियाल जी प्रोफेसर हैं ऋषिकेश से। श्री सीताराम भट्ट जी पूर्व महानगर उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। श्री देवेंद्र अग्रवाल जी प्रधान सिद्धिपीठ प्राचीन शिव मंदिर धर्मपुर से हैं। श्री विनोद नेगी जी डॉक्टर एवं यशोदा नेगी जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री वीरेंद्र चौधरी जी टनल रोड देहरादून से। श्री वी डी सेमबाल जी, श्री राजेश सेठी जी, श्रीमती एवं श्री राजेंद्र गोयल जी रेसकोर से। श्री अनिल वर्मा जी संपादक हैं देहरादून टाइम से। श्रीमती एवं श्री रेमिल चौधरी जी मुख्य कोषाधिकारी हैं देहरादून से। श्री भरत अग्रवाल जी गौतम इंटरप्राइजेज देहरादून से। श्री अमित जैन जी टनल रोड से। श्रीमती अंशिता शर्मा जी मंडल अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा राजपुर विधानसभा से। श्रीमती प्रिया गुलाटी जी चेयरपर्सन हैं तेजस्वी चैरिटेबल ट्रस्ट एसोसिएशन से। श्री अंजना सहानी जी एडवोकेट हैं एसोसिएशन एक्टिविटी से। श्री आदेश भाटिया जी डायरेक्टर हैं बीएलसी। श्री श्वेता राय तलवार जी स्टेट प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड जेल। डॉक्टर दिव्या घई जी एसोसिएशन प्रोफेसर हैं, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो भी कृपया आरती के लिए मंच के पास पधारें। मेरा अनुरोध है इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री नरेश कुमार जौली जी एवं श्रीमती दीपा जौली जी, एडवोकेट महिपाल सिंह नेगी जी एवं श्रीमती निर्मला नेगी जी, श्री महिपाल सिंह धपोला जी, श्रीमती आवा धपोला जी, श्री युगल किशोर उनियाल जी, श्रीमती कविता उनियाल जी, श्री रंजीत सिंह रावत जी एवं श्रीमती सीमा रावत जी, श्री मांगेराम गुप्ता जी, श्रीमती दुर्गा गुप्ता जी, श्री गणेश चंद जोशी जी, श्रीमती शीला जोशी जी, श्री हरीश रावत जी, श्रीमती जानकी रावत जी, श्री आकाश ठाकुर जी, श्रीमती संगीता ठाकुर जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, श्रीमती आवा रावत जी, श्री अजय डोंडियाल जी, श्रीमती पूनम डोंडियाल जी। कथा के मुख्य यजमान हैं सभी से आग्रह कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ आज के उत्सव यजमान, हमने बसंतोत्सव मनाया आज, तो उसकी उत्सव यजमान है श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी, श्रीमती मंजू शर्मा जी, श्री सतीश चंद गोनियाल जी एवं सौरभ गोनियाल जी। दैनिक यजमान है श्री त्रिलोक सेठी जी एवं श्रीमती सरिता सेठी जी, श्री गजेंद्र सिंह एवं श्रीमती मीरा देवी, श्री विनोद शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा, श्री सन्नी जिंदल जी, श्रीमती अमिता जिंदल जी, श्री राजकुमार सौंते जी, श्रीमती रेणु सौंते जी, श्री राम भरोसे एवं श्रीमती उर्मिला भरोसे। इन सभी से मेरा आग्रह कृपया मंच के पास पधारें। मैं अनुरोध करूंगा मंच पर इन साध्वी बहनों से स्वामी जनों से कि आज की मंगल आरती का गायन आरंभ करें। तो आइए महामाई के चरणों में एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं अपनी हाजिरी लगाते हुए। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री सनातन धर्म की जय, माता दी जय, माता दी जय, माता दी जय, माता दी जय, जय माता दी जय, जय माता दी। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी।
कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प कलमाला कंठन पर साजे रक्त पुष्प कलमाला कंठन पर साजे हे हरिवाहन राजक खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवक दिल के दुख हारी सुर नर मुनि जन सेवक दिल के दुख हारी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजत ज्योति कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजत ज्योति शुंभनि शुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निषिदिन मदमाती धूम्र विलोचन नैना निषिदिन मदमाती संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटब दो मारे सुर भयहीन करे मधु कैटब दो मारे सुर भयहीन करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी चौसठ योगी ताल मृदंगार बाजत डमरू बाजत ताल मृदंगार बाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता पूजाचार्य अतिशोभित परमोद्धारी मनवांचित फल पावक सेवक नर नारी मनवांचित फल पावक सेवक नर नारी कंचन धाय विराजत अगर कपूर बाती श्री मार के तुम राजे कोटि रतन ज्योति श्री मार के तुम राजे कोटि रतन ज्योति श्री अम्बेज की आरती जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी तुमको निश दिल जावत हरि ब्रह्मा शिवरी तुमको निश दिल जावत हरि ब्रह्मा शिवरी मय जिको निश दिल जावत हरि ब्रह्मा शिवरी We'll be right back.
मनोज।